रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारा जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। जब जब मर्दों का कुछ खड़ा करना होता है ना, औरतों का कुछ ना कुछ बैठ ही जाता है। कभी गला तो कभी हौसला, क्योंकि मर्द तो साले होती चुकी है। अनुशिल्ला कहूं या मुनमुन कहूं या स्विट्टी कहूं, सारे रास्ते तेरी तरफ हण लग रहे। ले, मैं भी आ गया। ये भागे मत स्विट्टी। नमस्कार, यूएस में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अरे मैडम, मैं अपने फोन में एक गाना लगाया था, लॉलीपॉप लागे लू, वो मुझे नहीं जो फोन करता उसे सुनाई देता है, ऐसे क्यों? हाँ, जो आपको सुनाई देता है वो कॉलर ट्यून है। अगर आपको खुद को गाना सुनना है तो आपके फोन से एक गाना सिलेक्ट कीजिए, उसको रिंगटोन पे सेट कीजिए। पर कैसे? उसकी जानकारी के लिए आप कस्टमर सर्विस के टाइम पे फोन कीजिए, जो है सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पर अभी तो 2 बज रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे ऑफिस के घड़ी में 3 बज चुके हैं। धन्यवाद। ये गुप्ता जी कहाँ चले गए? क्या बताएं साहब, रोज 2 का 3 बताकर गाजर केला ककड़ी न जाने क्या क्या लेकर कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं। केला ककड़ी? सर वो अनु हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो रॉ डाइट पर है, इसलिए ये सब खाती है, गाजर केला ककड़ी। पर जाती कहाँ है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये लाइन किसने कही थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये गाजर ककड़ी के लिए इन सब चीजों के साथ क्या कर रही हूँ, अच्छा यू यहाँ बैठे है। स्वीटी, आ गया तेरा चरण वाला। हेलो, आप ऑफिस से निकल गए? बस बेबी, अभी अभी घर आया हूँ। आज तो मैंने ना हाफ डे लिया ऑफिस से। वो क्या है ना, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ओ, क्यों, क्या हुआ मेरी बेबी को? तुम्हारे चक्कर में ना मैं पागल हुआ पड़ा हूँ। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, है ना मुन्मुन बेबी? कि जो चाहत के घोड़े होते हैं ना, सच कहूँ तो जहन के पकौड़े होते हैं। मेरा तो बैठ खड़ा हो गया अभी। इतना
जल्दी क्यों? अब तक तो मैं नीचे पहुंची तक नहीं हूं। पहले पैंट की जिप तो खोलूं। बीबी। उसका बाप बजाए ढोल, उसकी माँ बजाए पुंगी करके हालत उसकी नंगी, मैनेजर पेले सब अतरंगी, मैनेजर मामा के ट्रिगर दब जाएगा, इसकी गांड पाट जाएगी, रहने दे। मैं कौन सा बैंक का मैनेजर हूँ? मैं तो एक मामूली सा कॉल सेंटर का मैनेजर, मुझ गरीब ने क्या बिगाड़ा है? आप लोग अपने ऑफिस का बेहतर सेक्स रैकेट चलाने लगा, गरीब हो गया तू? क्या बात कर रहे हैं चमन जी, इस ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता। सुतिया समझ रखा है, ये फोन सेक्स नंबर तेरी बिल्डिंग तो ऑपरेट होने लग रहा है ना। तेरी स्वीटी की मिली भगत है ना, बता कितना स्वीटी? बेबी अभी तुम बहुत तेज जा रहे हो, जैसे बॉल बैट के ऊपर बाउंस करते हैं ना, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर टप्पे खा रही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा विकेट जल्दी गिरने वाला है क्या? बेबी अभी तो पूरा पिच खुदने वाली है। My God, you're going too hard. ये देखिए भैया, ये इंटरनल एप्लीकेशन आई थी नौ महीने पहले, ये इसका बिल और ये अभी तक भरा हुआ। 9 महीने से इस बिल्डिंग में कोई नाजायज बच्चा जन्म लग रहा है, अब इस बिल की पड़ी है। बताइए एप्लीकेशन किसने डाली थी? अनुज, मेरा मतलब अनुशीला गुप्ता। अनुशीला गुप्ता कहाँ बैठती तेरी गुप्ता जी? बेबी क्या हुआ बेबी? मैं तो लेट गई, मुझसे तुम्हारा फोर्स लिया नहीं जा रहा है, अब आगे का मिशन मिशनरी पोज। पहले से बड़ी होट लग रही है मामा, ढूंढ के तया। अरे कौन सी बड़ी बात से, ढूंढ लेंगे छोरी ने। चलिए ढूंढ कितना मार कितना भाग गई बता। अनु तो स्टोर रूम की तरफ गई है सब्जी ठेले कर, मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैंने क्या किया? ओ, मुझे ले चलना है स्टोर रूम। क्या हुआ, तू निकल गया क्या? मेरी वाइफ आ गई। गई मामा फिर भाग गया। अरे कोई बात, अरे तू गाड़ी निकाल यार, सारी बात करते रहे, गाड़ी निकाल तू, चले गाड़ी निकाल। एक ही अम्मा को कभी ना कभी फ्रेड चिकन तो बनना ही था। इलीगल फोन कॉल सेंटर इनसाइड द कस्टमर केयर बिल्डिंग। और तुम ये चमन आलम को कैसे जानती हो? कौन चमन आलम? अरे जिसने हमारे ऑफिस में रेड मारी है, इस इलाके का बहुत बड़ा नेता है वो, अभी भी जेल से छूट के आया है। यहाँ तो कैसे पहुंचा? उस तुम कैसे जानती हो? और तुमने उसे क्या उंगली किया है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? सिफिलिस का नाम सुना है कभी? सिफिलिस बहुत ही जालिम गुप्त रोग है, एक बार किसी को लग गया ना तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये चमन मेरे लाइफ का सिफिलिस है। अरे भाई कितने जा रहा है, भीतर सांप निकला, चल भाग।
अरे तू आगे से देख, या छोरी ने ढूंढनी है चमन की तमन्ना से, शायद को मधुमक्खी के छत्ते से चाटेगा वो। हैं भैया हो जाएगा। हाँ नंबर दीजिए भैया। ले पढ़ या नंबर से। मामा जी चमन भी आज बहुत भूखे हैं क्या? बावड़े चमन जब गुस्सा खाता है ना तो खाना बहुत खाता है। तू ये बता छोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? छोकरी का नंबर तो चालू है मामा जी, बस कुछ ही मिनटों में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़ा है की दी? 10 की 4। इतना सस्ता? तुम संचार नगर के यहाँ क्यों नहीं बेचते? सॉरी पैसे। अरे अरे आप खाइए मैडम, क्या मैं आपको ककड़ी नहीं खिला सकता? थैंक यू। ले बेटा रख। भोसड़ी के कितनी दूर रहेगी अब? सीधे भैया सीधे, भाभी जी बस थोड़ी ही दूरी पर है। बस कर स्वीटी, और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। डार्लिंग, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बस थोड़ी दूरी पर है छोटी जी। भैया बेंचोद खड़ा बढ़िया आइटम लेके आया, पहले ही नहीं ला सकता था हरामी साले ऑफिस में। और तू का बैग तो पीछे चढ़ के बैठा है, और आपका बैग देखने दे। भैया इसी बस पे है छोटी जी। अरे इंदरपुर तक आगे नहीं जाने दूंगा तेरी भाभी ने। अभी बस में ही हूँ। जब एक जंगली जानवर पागलों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो उससे बचने का एक ही तरीका है, उसे भटका दो। और ये काम किया मेरे मोबाइल फोन के सिग्नल ने। चमन मुझे ट्रैक करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं ठर के भैयाओं के सहारे एक बार फिर बिना मंजिल के रास्तों पर चल पड़ी। भैया मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, मैं अपने पति के घर से भाग के निकली हूँ। मर्दों को पिघलाने के दो ही तरीके हैं, या तो आंसू गिराओ या फिर पल्लू। मैंने तो दोनों ही गिरा दिए। Thank you.
ताऊ जी की फेवरेट फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। उनके लाइफ की स्टोरी भी उस फिल्म के छोटे छोटे इंस्टा वीडियोस थे। आज जिंदा होते तो उनको एक और जरूरत का एहसास होता, इंटरनेट। 12 घंटे से अपने फोन का टच स्क्रीन नहीं छुआ, यू नो द फीलिंग राइट? तो अपने विथड्रॉवल सिम्टम्स को ओवरकम करने और कुछ पैसों की इनकम करने अपने फिगर के भरोसे जिगर के साथ मैं एक मोबाइल शॉप में घुस तो गई, लेकिन कोई है? कोई मोबाइल रिचार्ज हो रहा है चार्जर से। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। टुडे इज द एज ऑफ वुमन ऑन टॉप। तो सुनी होगी, एक राजा को पता चल जाता है कि आज रात उसकी मौत आनी है। वो शहर से भागकर कहीं जाकर छुप जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। बड़ा ही चुतियापा वाला थॉट है, लेकिन पता नहीं ये थॉट इस वक्त मुझे क्यों सूझा। सब बन्ना चंकट मारूंगा ना के मोतिया बहन हो जाके तुझे। तू है कौन और अंदर किसे घुस रखी है यार? टिंडर पे तो इतना भीख मांग रहे थे, प्लीज मिलो 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 मिलो, थ्रीसम करना है। तुम मैं आ गई भूजू बेबी। थ्रीसम टिंडर? एक क्लासिक फिल्म आई थी एक फूल दो माली, फिल्म की जो टाइटल है वो थ्रीसम वाली फीलिंग देती है ना। तुम लोगों के दिमाग में ना बस भरा हुआ है। रोमांस भी तो कोई चीज होती है ना। थ्री पीपल कैन बी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड। फूल, भूषु बेबी और दो माली, मैं और उसकी गर्लफ्रेंड, हम तीनों इन अ थ्रीसम। कब? अरे यार सब्र करो थोड़ा, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। फिर भी थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। हेलो डॉगी। बोलो बिल्ली। तुम्हारी साली छुप छुप के अपनी दीदी और जीजू की बेड टाइम स्टोरी सुनने की कोशिश कर रही है। नॉटी। तो क्या सजा मिलनी चाहिए तुमको केटी? केटी? बिल्ली की बहन केटी। आपकी कहानियों के क्लाइमैक्स की तो दीवाने हैं हम। जो सजा देना चाहो चीचू, कहो तो मुर्गी बन जाओ या फिर घोड़ी। तुमने इसको यहाँ पे थ्रीसम के लिए बुलाया? अरे कौन सा थ्रीसम बेबी? पुच्चू बेबी यार हमारा 5 साल का रिलेशनशिप है, ये 5 सेकंड पहले आई लड़की की बात पर तुम भरोसा कर रही हो? बंद कर इसको। और तुम अंदर कैसे घुसाई यार? शटर आधा खुला था, तुम्हारे पैंट के ज़िप की तरह मैं लगा दूँ। ओ हेलो, तुमने शटर बंद क्यों करवाया? दुकान बंद करने का टाइम हो गया तो शटर बंद होगा ना। तू चल यार यहाँ से। अरे पहले पूछ तो ले मैं यहाँ पे आई क्यों हूँ। अरे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्यों आई हो यार। तुम चलो। एटीएम मशीन हूँ और तू रॉन्ग पासवर्ड दबाए जा रहा है। मतलब कस्टमर हूँ मैं, मुझे एक फोन और दो सिम कार्ड चाहिए। ओ हेलो, कुछ नहीं बेशा, निकल यहाँ से। मैडम बाहर बोर्ड लगा हुआ है टेलीकॉम एंड रियल एस्टेट सर्विस। पर इतना भी रियल एस्टेट नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दो जिस्म एक जान हो सके। वैसे तुम्हारे हनीमून के लिए कड़ा इंतजाम किया है, पूरे 2 तोले का है, इससे एक फोन और 2 सिम कार्ड चाहिए। देख के बताओ असली है कि नकली।
फंस लिए यार, पूरे 2 तोले का है, 90-95 हज़ार आराम से मिलेंगे इसके। पार्टनर सही है तुम्हारी, सोने की और सोने की जन्नत समझ है। और गांडे की भी अच्छी समझ है। चुप हो, रुको तुम, और तुम चलो। हेलो जी पापा। राजी बेटा कहाँ हो? घर पे। अरे बेटा ये बंसल जी का लड़का है शाश्वत, ठीक है तू फेसबुक करके देख लेना, लड़का बहुत देख सुंदर है देखने में। पापा बाद में करते हैं ना। क्यों बेटा, अभी कोई जरूरी काम कर रही हो क्या? नहीं बोली। ठीक है देखो बेटा, काम नहीं टालना चाहिए। तो मेरे अकाउंट में तो 5 लाख रुपए थे, कहाँ गए? तेरे 5 लाख ऐसे ही बटोरे थे ना तूने लौटा दे, ले वापस लौटा दिए। मैडम चाहत तो था ना रानी बना कर रखने की थी, पर तेरे कीड़े भी ना सुलेमानी है। वापस आ जा प्लीज, वापस आ जा स्वीटी, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। लड़ी बास्केट चमन आलम, बकुड़ी के साथ मुझे भिखारी भी बना दिया कुत्ते ने। ओ मैडम एरिया तुम्हारा T4 8+, 128 GB मेमोरी, 3 GB रैम और 5.5 का डिस्प्ले हो गया। ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, 2 SIM कार्ड इसके साथ। तशरीफ इधर लाओ। ओ हेलो, कहाँ? नाम बताओ। माली नंबर 1। अच्छा कुली नंबर 1 नहीं रखा। हेलो पारिगो खोलो। ओ गेले हलवाई, ओ खोल शटर। अगर खोल नहीं तो तेरी गाल, तेरे गाल पे ऐसा चंकट मारूंगा ना। भूषण भैया अंदर से ठोक रहे हैं, सुनाई नहीं दे रही? अंदर से नहीं ठोक रहे हैं, अंदर ठोक रहे हैं। तुमको भी ठोकना है क्या? अजय छोड़ दे अंदर, अंदर अजय शक्ल टेढ़ी है, बात तो सीधी किया कर। अबे छोड़ देते हैं बदतमीज। ओए हद बदतमीज लड़की हो, पैसे दो मेरे। क्यों इतना प्रॉफिट दिला रही तुमको, बांटना तो सीखो। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या जालिम कंचा चीज है भाई। तेरे को ध्यान रखने के लिए बोला था ना, इस सीरियल की भाभियों के चुप चूड़ियों के चक्कर में तू तो असली भाभी की इज्जत बचाना भूल गया। कैसे आदमी हो यार तू, वहां क्या देख रहा है, इधर देख। ये तो भाभी से भी झन्नाट है भाई। अबे ओ तेरी भाभी के सामने पकड़ चो मत कर देना, वरना तेरी बकर के चक्कर में तेरे दांत मुंह टूटेंगे, समझा तू? और हाँ अब की बार अगर तूने नजर नहीं रखी ना मैं दांत मुंह तोड़ूंगा तेरे, ध्यान रखना, बंद कर शटर। आया बेबी हाँ। साला लव यू फक यू ये करे और वफादारी का कुत्ता मुझे बना के रखा है। खैर कुत्ता बना ही दिया है तो बोटी के पीछे ही क्यों ना भागू। Thank you.
सुनते सुनते मेरा पीछा कर रहा था? नहीं, फोटो खींच रहे तू मेरी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाची के घर जा रहा था, इधर ही पढ़ता है। अब बॉम्बे से, बॉम्बे में रहती हो क्या? बॉम्बे से मतलब? बॉम्ब लग रही हो। अच्छा, मतलब तू लंदन से है? ठेका किधर है? अबे दारू, ठेका तो ये घंटा घर के पास में, नाक की सीध में, ये वाली रोड। जहाँ ठेका रहता वहीं सारे घंटे रहते हैं। मतलब? तू नहीं समझेगा दात मंजन, चल। ये सरोज का घर है? कौन सरोज? है एक ठरकी, लौंडेबाज, दारूबाज, एकदम कमीनी ककड़ी। कमीनी ककड़ी किसे बोला? मतलब बाकी सब तो तू है ना। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे? I swear. कितने साल हो गए? हाँ यार, साल हो गए। Oh my God! बहुत मिस किया तुझे, सच में। चल अंदर, चल, बहुत सारी बातें करनी है। चल चल चल। एक तो आती है नहीं तू, इतने सालों के बाद आई है। चाबी बना के जल्दी ताला खोल दे। बना तो रही हूँ सेठ, पर आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? कि कल को ये बात तू किसी को कहे तो मैं तुझे चोरी के केस में अंदर फंसवा सकूं। आप इनने बड़े सुना रहे और ऐसी झंडू मोबाइल शॉप में चोरी करना चाहते हैं? तेरा बाप लेता है? नहीं तो फिर भाषण का तेल ले, चाय बना। अबे बनी कि नहीं बनी? बन गई साहब, बन गई, बन गई, बन गई। सत्तू खबर तो सही देता था हर बार, गांडू बच्चा तो नहीं खा गया इस बार। हलवाई, आज तुम्हारे चक्कर में ना मैं और प्राची पहले गए थे, तुम साला ताला मार के कहां मरवाने चले गए थे? पहले वफादारी के नाम पे चौकीदारी कराते हो और पूछ रहे कहां मरवाने चले गए थे? वो तो शुक्र मनाओ एटम बॉम्ब का जो तुम्हारी दुकान में आई थी। मुझसे आते ही बोलने लगी कि यशु बेबी, मुझे सरोज भाभी के घर तक छोड़ दोगे क्या? अरे तू छोड़ने चला गया था और तभी बहन प्राची का रिच बाप। टाइम है फोन करने का? अबे उठा की जो भी कर रहा है रुक जा वहीं पर। प्राची का रिच बाप तुझे हेलो जी बोलने आ रहा है। अब तू एक काम कर, वो दुकान के पीछे वाली गली है ना, उसमें टेम्पो लेके पहुंच। और हाँ बहन, स्टार्ट रखना यार, तू क्या कर रही है? आ रहा हूँ। अबे तेरा बाप आ रहा है। मर जाएंगे, चले इनसे, मैं कैसे निकलूं यहां से? मैं नहीं निकल सकती। अरे बेबी जा, लोगों को छोड़, अगर तेरे बाप ने यहाँ देख लिया ना तो सोना पिघला के गेम ऑफ थ्रोन की मौत मारेगा वो। चलो आराम से। अबे कहाँ रह गया था, कब से फोन कर रहा हूँ तुझे? बस जल्दी भाग वरना आज पहले जाएंगे। जल्दी चल रहे बहन। साले थैंक्स तो बोल दिया कर, वरना तेरा ससुर आज तेरा छोटा सा नुन्नू देख लेता। सॉरी, वैसे एक थैंक्स तो तेरा बनता है, आज एटम बॉम्ब के दर्शन करा दिया तूने। पता नहीं उसको सरोज भाभी की नाइट ड्रेस फिट आएगी भी या नहीं, या बिना नाइट ड्रेस के ही सो जाएगी। कॉलेज में तू भी नहीं बोलती थी पता है?
कुछ तो तेरा असर है और कुछ इसका। I'm so happy to see you. You're my best friend. I swear, after so long. तू गई थी ना मुझे छोड़ के कमीनी? क्यों गई थी बताइयो जरा। हाँ भागी थी लेकिन वापस भी आई ना तेरे पास। आगे लाइन मार दो वापिस आएगी। घर पे नहीं, मैं मतलब जीजू घर पे नहीं है, मतलब काम से कर सकती हूँ। तुमने ऐसे कौन से काम पाल रखे हैं जो जीजा जी घर पे नहीं तो तेरे काम हो जाएंगे? बताइए जरा मुझे। सुना तेरा फोन नंबर तेरा पेटीएम नंबर ही है ना? अबे घंटा पेटीएम नंबर है कुछ नहीं है, सब सूखा पड़ा है। अबे फोन की बात कर रही हो कमीनी। 25 रुपए पड़े खाली। तुझे याद है तू कॉलेज के डेज में एक सेंटेंस बोलती थी? क्या? जहाँ गुप्ता जाती वहाँ गुप्त रूप से लक्ष्मी आती। चल फोन दे। संभल के फोन है मेरा। अब क्या ध्यान ध्यान से लेके शादी कर ली पर पुलकित को भुला नहीं पाई क्या? फर्स्ट लव और फर्स्ट कोई भूलता है क्या मेरी जान? कैसी बातें कर रही है यार? कुछ पैसे और मेरी ही कंगन। मुझे पता है तू अपना इंतजाम कर लेगी और वो वीडियो भूल जा, तू यहाँ से चली जा। पर कुछ नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मार डालेंगे तुझे बेटा, तू चली जा यहाँ से। हेलो। हेलो जी, मेरा मैजिक वॉच कह रहा है कि तुमने आज अंडरवेयर नहीं पहना। मुन्मुन, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपना नया पेटीएम नंबर भेज रही हूँ, जल्दी से उसमें 50,000 ट्रांसफर कर दो। 50K? भूल गई हो क्या? तुम्हारी सिर्फ आवाज है, काम आज भी मेरे हाथ से चलता है। नो बेबी, ये तो सिर्फ 20 दिन का पैसा है, तुम्हारे लिए महीने के बाकी 10 दिन फ्री। आज बेबी ने सुन, जल्दी से 50,000 ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें अभी अपना पेटीएम नंबर भेज रही हूँ, अदरवाइज यू नो तुम्हारे मुन्मुन बेबी का मूड खराब हो जाएगा। नहीं, बेबी तुम मूड मत खराब करो। वैसे डील तो मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन तुम मूड बना के रखना प्लीज, मैं अभी करता हूँ। या नया नंबर पे मैंने मैसेज किया, चेक कर दो। नया नंबर? फिर से भागने का इरादा है क्या? अरे नहीं यार, उस पुराने नंबर में मेरे दीवाने बहुत बढ़ गए थे। This is exclusive for you. अच्छा तो क्या करें? आ जा, घुड़सवारी करनी है तुम्हारी, जैसे पहले करते थे। भूल गए? आज मेरी हालत है ना बहुत खराब है यार, मैं बहुत थका हूँ। तुमको पता वो प्रीमियर लीग के मैच में मोहित छक्के मारे जा रहा था और वो फिरंगी चीयर डांसर फुंके लगाए जा रहे थे और हम साला जैसे बैठ के देख देख के मरे जा रहे थे। तो उन्हीं के साथ कर लेते ना, यहाँ मुझे क्यों फोन किया है? तुमको पता है वैसी लड़कियाँ एक रात का कितना चार्ज करती हैं? 50,000 मनी ट्रांसफर डांस। चले आज कहाँ लेकर जा रही हो? एटीएम मशीन।
क्या हो रहा है? मेरा कार्ड नहीं निकल रहा है, पैसे भी नहीं निकल रहे। एटीएम मशीन ऐसे थोड़ी खुलता है। अरे बाबा, लॉजिक पे ध्यान मत दो, मैजिक पे फोकस करो। सॉरी 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 सर। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सो सॉरी राघव। राघव और राघव। राम छादी, उधर मेरा बेटा तुम्हारे लिए शहर में मर रहा है और तुम्हारी यहाँ पे आग सुलग रही है, तो रुक। अरे कौन है? पागल औरत को तलवार लेके मार रही है। अरे 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 मम्मी जी, अरे मम्मी जी, अरे क्या कर रही हो? सहेली है मेरी। सहेली? मम्मी जी तलवार? अरे ये मनोहर के शादी की तलवार है, वो सब छोड़ मुझे पहले बता ये इधर क्या कर रही है? नहीं है, सहेली है मेरी। सहेली? इतनी गंदी आवाजें निकाल रही थी। मम्मी जी कुछ तो इज्जत रख लो मेरी, सरोज भाभी से सविता भाभी बना दिया यार आपने। देखा ये जिस तरह से मॉरल पॉलिसिंग कर रही है ना, कल पुलिस को असली वाले पुलिस को कैसे हैंडल करती है, एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स। देखो चाहिए कॉफी? मैडम आपके कॉल सेंटर में रेड पड़ी है और आप यहाँ पर शान से चाय कॉफी के बारे में पूछ रही है। हाँ तो आप हमारे मेहमान हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप चले जाएंगे, चाय या कॉफी? कैसे सहेली है तुम्हारी, कितनी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही थी। तो क्या हुआ, आपने कभी निकाली नहीं है क्या? मैं अपने मंगेतर से बात कर रही थी। शादी कब है तुम्हारी? अभी तक हुई नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगी। वो मम्मी जी मुझे बोलता है कि फोन पे मजे नहीं दोगी तो किसी और के साथ जाके सो जाएगा। हाँ ये तो सही बोला, मर जात होती है मगरमच्छ, हमेशा भूखे रहते हैं। वैसे तार वाले फोन से की हो क्या कभी? क्या वही वाली बातें? हमने बात की है, मनोहर के पापा बाहर रहते थे ना, सिक्योरिटी गार्ड थे। क्या दिन थे वो, माफ करना, बहुत समय के बाद ऐसी चिखारियां सुनाई थी घर में तो मेरा भी दिमाग घूम गया। वैसे क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? एंजेलिना। रात बहुत हो गई है, अब तार वाले फोन का टाइम भी नहीं है, मोबाइल फोन आ गए हैं, रात हो गई है, सोते हैं, आओ चलो 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 चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। बात तार वाले फोन से यार एंजी, ये रात मेरे पेटीएम में 50,000 रुपए किसने डाले? मेरा फॉलोअर है टिप टॉप पे। नो टॉप पे है, मतलब इस लड़की को मेरे साथ की बातें करने में बहुत मजा आता है तो मैं इसके पैसे लेती हूँ। मतलब तू तू पागल है क्या? मैं जो करती हूँ फोन पे करती हूँ, किसी का बिस्तर गरम नहीं करती जाके, इडियट। तो ये फोन पे ऊ आ करने के इतने पैसे मिल जाते हैं तुझे? व्हाट इज ऊ आ? फोन सेट इज एन आर्ट, अ किंकी आर्ट, जादू जैसा असर है एंड चरस जैसी लत। वाह एंजी तेरा सही है यार, डर्टी टॉक को किंकी आर्ट बता रही है। फोन ये बाउंसर जैसे आदमियों ने हम लोग को क्यों रोका है? माकड़े, ये तो लमसम भाई के लोग हैं। तेरे बाप के खेत की फसल है क्या? तू गोनी की तरह उठा के लेके आया है? 10 घंटे से बांध के रखा हम लोग को। बोरी तो ना दिखती छोरी, हमें तो एकदम अंग्रेजी शराब की बोतल दिखे। कौन है तू? सबके दिलों की चाबी सरोज भाभी,
आप हमारी तारीफ करेंगे या हम खुद कर लें? लमसम भाई, आप ही के पैसों का इंतजाम करने के लिए ना मैं अशोक सुनार के पास जा रही थी। कौन से पैसे? तुझे बाद में बताती हूँ। मैं सच में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ये देखिए, मेरे पास सोने की चेन भी है मेरे पर्स में। ये इधर। ये। अरे वाह 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 भाई वाह, गोल्ड फॉर मनी, मनी फॉर गोल्ड, दोनों धंधे करते हैं हम। रेखा जी ये लो, बाकी के 50,000। ये पैसे क्यों मांग रहा है? सट्टा लगाती है आपकी सहेली, सोनी और चोली की बहुत बड़ी फैन है ये। क्या तू बेटिंग करती है? तेरे चक्कर में ये कार्टून उन लोगों को उठा के लेके आया है? क्या कर रही है? तेरे चक्कर में हम दोनों मारे जाएंगे। ऐसा है भाभी जी की सहेली, आपके पास अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने का टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। दोनों की एक एक किडनियां निकाल के ना एक ही वार्ड में शिफ्ट करूंगा, फिर पैर फैला के लेटे रहना, खूब चुगलियां करना। आप बहन चुगली करें। रेखा जी जरा ले जाओ इनको, एक एक किडनी निकालो और करो इनका वजन हल्का। जी रुको, एटीएम अकाउंट में है ना 50,000, दे रहा है इसको। अरे वाह भाई वाह, पैसे हैं, बताया तक नहीं। देओ भाई देओ। दे? एंजी वो तेरे पैसे हैं यार, कैसे दे दूं? मैं ऑर्गन डोनेट करने से बेहतर पैसे डोनेट करना पसंद करूंगी इसको। दे ना। खोलो भाई। अरे वाह 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 वाह, आई लव मनी। लगता है पार्लर में बहुत बढ़िया काम चल रहा है आजकल। हो गया? हाँ हो गया। जाए अब? निकलो, तुम्हारा अचार डालूंगा। चल। अरे अरे भाभी जी, देखो क्या है, हमारे धंधे का उसूल है कि सट्टे की बकाया रकम एक महीने में मिल जानी चाहिए, नहीं क्या आना कि मार्केट में लोग हमें ना चूहे गिनते हैं। जो कि तुम हो। जो कि हम है नहीं। चल। 2 दिन में प्रीमियर लीग होने वाला है शुरू। 2 दिन में प्रीमियर लीग हो रहा है? हाँ। सोनी खेल रहा है, चोली भी है। हाँ, चोली, सोनी, मोहित शर्मा सब खेलेंगे। मतलब आज अगर मंडे तो मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ। चल। पुराना अकाउंट बंद, नया शुरू। ओके, आई विल कम। बॉस। सुन, तू रेडी है ना? हाँ यार, तैयार हूँ। शाश्वत बंसल नाम है लड़के का, नंबर व्हाट्सएप किया। जब मिस्ड कॉल करूंगी ना तभी मैसेज करियो, ठीक है? और सुन, टाइम पे डिलीट करना पिछली बार की तरह। हाँ, पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, अब तो आदत हो गई है। प्राची चल निकल, बाय बाय। चल जल्दी चल, चल बेटा समोसे आगे। अरे मम्मी मैं क्या लग रही हूँ, आप ही कर लो जाके शादी। नहीं अरे एक मिनट रुक, फैमिली ग्रुप में बोस करेगी। मम्मी हमारी फैमिली प्लानिंग ना अलग चलते हैं आपसे। लेट नहीं हो रहे, चलो चल चल। उस लमसम को ना तेरी किडनी नहीं तेरा भेजा दे देना चाहिए था। नहीं उसका भी फायदा नहीं होता क्योंकि भेजा तो है नहीं तेरे पास, बैटिंग कर बैठ के। अरे मेरी गलती नहीं थी यार, ये सब उस मनोहर की कारस्थानी थी। अब तू पकड़ी गई तो उसके ऊपर बिल फाड़ेगी। तुझे सच बोल रही हूँ, ये सब सारा मन्नू का किया धरा है यार ये सब। भाभी हमको 100 रुपए चाहिए। किस लिए? मोबाइल का डाटा चार्ज करवाना है। यार लगता है तू पैसे मांगने आ जाती है यार हर बार। दीदी दे दो ना, चंदू से वीडियो कॉल पे बात करनी है। अरे दे ना यार। अरे यार इसके पैसे ही नहीं खत्म। ये ले। थैंक यू दीदी। अरे मनोहर आता था ना यहाँ पे छुट्टियों में, शौकिया बैटिंग करता था। मुझे क्या पता था मुझे लत लग जाएगी। मैच चल रहा था एक दिन, विराट चौके छक्के मार रहा था, मैंने भी पी रखी थी, लगा दिए 1,00,000 रुपए। अरे पी के थोड़ा पता चलता है कितने पैसे लगाए हैं। उसका कर्जा हम लोग अपनी किडनी और सोना बेच के देने वाले थे। तू पागल है क्या? ए, क्या कर रही है, धीरे बोल। मेरी सास और मेरे पति को ये कर्जे वर्जे के बारे में पता नहीं है। आई लव यू। तूने मुझे पैसे दिए ना 50,000 रुपए, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। शट अप। वो पैसे मैंने अपने खर्चे के लिए लिए थे, नॉट फॉर दिस नॉनसेंस। अरे तो तू खर्चे की टेंशन मत लेना, इतना बड़ा घर है मेरा, यहाँ पे रह जब तक तुझे रहना है। मुझे ना ही तेरे घर में रहना है ना इस कंट्री में रहना है। क्यों? इन चूतिया मर्दों ने मुझे बहुत दुनिया दिखा दी है, अब मुझे सच में दुनिया देखनी है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड एंड आई नीड लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट, डू यू गेट इट? तो बनाते हैं ना लॉट्स ऑफ मनी। कैसे? जहाँ से 50,000 रुपए आए तू मुझे फोन सिखा दे, दोनों बेस्ट बडीज दैट मेक बिग बक्स विद फोन। क्या कहती है? सरोज पेडीक्योर में और फोन से बहुत फर्क होता है, सबकी बस की बात होती है फोन पे क्लाइमेक्स कराना, समझी तू? अरे तो सुन मेरी बात, अरे तू मुझे एक मौका तो दे, मैं करती हूँ ना तेरे जीजू के साथ फोन। फिर फोन की बात है,
अरे शाम को पिक्चर के लिए समोसे तलते हुए अपने सहेली से मेरे बेटे के लिए फोन पे संभोग करने के टिप्स लेती रहे ना। ले पकड़। लो आ गए हमारी प्राची बिटिया, समोसे चाय भी आ गए। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई ये हमारी बिटिया ने, उसके बाद में मन नहीं किया तो हमने भी कहा कि छोड़ो जाने दो, क्या करना है। ये कचौड़ी समोसे चाय सब इसी ने बनाए, बाकी तो दिन भर इंस्टा पे लगी रहती। लीजिए ना। अरे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे? एक ही है, उसी का मैसेज आया होगा, देखिए ना। अभी अभी जिस गली को देख के तेरा दिल मचल रहा है ना, उस गली में मेरा आना जाना है। पेज कलर की ब्रा पहनी है उसने। और हाँ, गोल्डन बॉर्डर वाले कप में जो चाय आई है ना, वो मत पीना, उसमें जहर है। नहीं नहीं नहीं, इस कप पे चाय मत पीना, इसमें इसमें जहर है। हा? क्या बात कर रहे बेटा, क्या मजाक है? मजाक नहीं है सर, वार्निंग है। आप ये देखिए, ये तो व्हाट्सएप मैसेज है बेटा, डिलीट मैसेज है। कहाँ है मैसेज? व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, ग्रुप में 11 लोगों को मैसेज, मनोकामना पूरी होती है, वो वाला मैसेज सर। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ खाना पीना मत यहाँ। अरे अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, अरे अरे। नमस्ते। प्राची, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे तो ये हराम जा रहा मेरी बेटी को रिजेक्ट कैसे कर सकता? होए होए होए। काला भैया की सुबह की खुशी में पेश है सोनी बैंड की खास पेशकश। मुझे क्यों अपना मेटर बनाने पे तुली है? आज है, आज कोई है रणवीर वाली फिल्म है। अरे वो तकर तकर वाली फैन हूं मैं उसकी, घर जाके तुरंत ये सब्जियां रखाई मैं। जल्दी जा, जल्दी जा। एंजी कौन है ये दीदी? बड़ी ब्यूटीफुल है। कॉलेज फ्रेंड है मेरी, एंजेलिना। दीदी आप ककड़ी यूज करती है? हाय हाय हाय। हाँ, और तुम? ककड़ी का जूस हर तीसरे दिन लगा रही मैं, पर मेरा रंग गोरा हो ही नहीं रहा। आप अपने चेहरे पे क्या लगाती है? मिट्टी का तेल। है सच्ची? मिट्टी का तेल? मैं भी ट्राई करूंगी। नहीं नहीं, हाय झूठी, पागल है क्या? अब ये मजाक कर रही है, तू लगा मत लेना। तू एक काम कर, तू अभी जा, बाद में आना, तुझे मस्त फेशियल दूंगी, तू जैसी गोरी हो जाएगी। जल्दी जा। दीदी मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी, आदत है उसकी। मैं जल्दी आती हूं। हां जल्दी जा, जल्दी जा, सामने देख के जाना, टकरा मत जाना। देख एजी, मेरी बात सुन, सिर्फ एक बार मुझे सिखा दे, पेटी छोड़ दूंगी यार, आई स्वेयर। तुझे मुझ पे यकीन नहीं है, तुझे कॉलेज से जानती है। बोन्स, दैट्स इट, जस्ट STFU, ओके? ए एनजी, एनजी तुझे शट द बोल के गई है ना, रुक, तुझे दिखाती हूँ मुझमें कितना ठरकी टैलेंट भरा हुआ है। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे कुछ नहीं काकी, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा पैसा कम पड़ जाता है। अब आप चंदू को ही देख लो, 4 दिन दुकान लेट गया तो उसका पगार कट गया। सोच रहे हैं कि कुछ और काम भी शुरू कर दें अब। अरे वाला क्या, हमारे साथ रहते रहते तुझे पैसे की कीमत समझ में आ गई, शाबाश। सरू यार, मैं तेरे घर पे रह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे टॉर्चर करे। कब से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तेरी समझ में बात नहीं आ रही। सोच रही हूँ तुझे एक डेमो दिखा दूँ। लाइफ
बोल कहां से शुरू करूं? सरू, विल यू स्टॉप इट? संत मेरी जान, ये है मेरा लाइव परफॉर्मेंस। मेरा सजन है इस समय मुंबई में और मैं हूं इस समय हीट में। पन्नो, तुम्हारे सरू के बदन में आज आग सी लगी हुई है। जो पैरेट ब्रा तुमने आज तक सिर्फ फोटो में देखी थी, वो आज तुम्हारी बेबी ने पहनी हुई है। मेरे पास आ जाओ। तो और इतना सरुष की आवाज लग रही है। मुझे अगर टच करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी मन्नू। अपनी 2% की नौकरी को मारो लात और आ जाओ मेरे पास। मन्नू पास आ जाओ। मन्नू मैं ऑर्गेज्म को नया ऑर्गन बनाना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारा बनाना चाहती हूँ। कम मन्नू, मन्नू कम। अरे रुको रुको, वो नहीं बोलेंगे अब। इधर आओ, हम बताते हैं क्या हुआ है। असल में हमारी जो सरोज भाभी है ना, उनसे हो गई एक भूल, पर वो भूल बड़ी कूल है, जिससे कि तैयार होने वाली है पूरी की पूरी हेलो जी टीम। मनु, मनु काम। सरोज, मनु, सरोज। मेरी आवाज सुन के लोगों की प्यास बढ़ेगी या नहीं? प्यास बढ़ेगी या नहीं एंजी? मम्मी क्या होता है? मम्मी प्यास की छोड़ और सास की सोच। दिखा दिया अपना त्रिया चारित्र। आंटी, आंटी, आंटी ये मस्ती कर रही थी। मस्ती नहीं, तू उसको सस्ती कर रही थी। थोड़े दिन और तुम्हारे संगति रही ना तो अकेली हर दसिया सबरे गांव रसिया हो जाएगी। दोष उसे क्यों दे रही हूँ? कल तक तो तुम इतनी गंदी बातें नहीं बोला करती थी। ये पुटरी आई है तब से? पुटरिया? धंधे वाली? ए ओल्ड स्कूल, सुन, कैरेट सर्टिफिकेट बांटने से पहले ना एक बात ध्यान से सुन। गंदी बात मैं करती हूँ और डंके की चोट पे करती हूँ। मजे के लिए नहीं, पैसों के लिए करती हूँ, समझी? पैसे तो हम भी कमाते हैं, घरों में सिनेमा दिखाते हैं, समोसा खिलाते हैं, पर ये तो सीधे सीधे देह व्यापार हो गया। अरे मम्मी जी, कुछ भी बोले जा रही हो। एंजेलिना सेक्स नहीं करती है, सिर्फ सेक्स की बातें करती है। बातें करके ना लाखों कमा लेती है, कुछ पता भी है आपको? वाह, बनाओ, दोनों मिलके मुझे बनाओ। अरे मर्द इतनी है क्या हा? जो तुम्हारी फोन की बातें सुनकर तुम पर लाखों रुपए से पैसे उड़ा देंगे। अरे काकी, वैसे सरोज भाभी सही कह रही है। क्या कह रही है? वो यश भी है ना, हलवाई के बेटे, उनके पापा उन्हें बहुत मारते हैं, फिर भी भर भर के पैसा लुटाते हैं वो। सच कह रही हूँ। लखिया, अगर तुमने झूठ बोला ना तो तू बच्चा नहीं जन पाएगी। ये क्या बदतमीजी है? कितनी घटिया इंसान है आप। यश का नंबर दे। जी जी जी, प्रूफ चाहिए ना? प्रूफ देती हूँ, ये लीजिए दीदी। हेलो। हेलो यशु, सुना है तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मारते फिरते रहते। ये यशु, आप कौन इमाती बोल रही हैं? सुना है तुम्हारे छोटे भाई को लकवा मार गया है। विकलांग से विकी डोनर बनाने के लिए फोन किया है। आपको बड़ी चिंता है छोटे भाई की? बहुत चिंता है, क्योंकि हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं और उसका दही बड़ा बनाकर घप से निकल जाना चाहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप फोन चालू रखना, आप ठीक है? बिल्कुल। हेलो। बड़ा हुआ? टच करके देखे। टच करके क्या करोगी? टच करेंगे तो टू मच कर देंगे। लेकिन सुनो, मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, जल्दी से इस नंबर पे पेटीएम कर दो। अरे कैसे करूं मेरी जान, मुंह तो खोलो। ओ मेरे जॉन्स, मुंह खोलने के तो 2000 रुपए लगेंगे। 2000? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी लुगाई नहीं हूँ ना, पैसे लगते हैं। कम ऑन जॉन्स, जल्दी भेजो प्लीज। अच्छा, एक मिनट, कर रहा हूँ। हाँ जल्दी।
हाँ देखो देखो हो गया, आप अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है इंद्रप्रिया, बस जल्दी से रिचार्ज आ जाए। ओह माय गॉड यशु, थैंक यू सो मच। अब देखना इंद्रप्रिया कैसे तुम्हारे आयरन मैन को उड़ाती है। उड़ा दो, मैं तो चाहता ही उड़ा दो। हेलो, अरे बोलो तो। नीचे ग्राहक को जलेबियां काली काली जा रही है और तू यहाँ बैठ के मोबाइल पे दही जमा रही है। चल नीचे। प्रूफ्ड? अकाउंट में कैश एंड फोन पे प्रूफ्ड? कहाँ जा रही हो बेटा? आपके इस दूध से दूरी बहू से दूर। एंजी इसको रुका। एंजी सुन मेरी बात। एंजी अरे मेरी बात तो सुन। एंजी कहाँ जाएगी अब? पाँच हजार अब की बार के वीजे के पैसे हम रखेंगे। हमारी पानी की टंकी खराब हो गई है ना, तो उसको रिपेयर करना है। नहीं काकी ऐसा मत करो, दो हफ्ते से मेरा फ्रिज खराब पड़ा हुआ है, मुझे सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदनी है। इस बार बीसी मैं उठाऊंगी। यार सोनल तुझे फ्रिज की पड़ी है, मैंने घर का किराया नहीं दिया ना तो लात मार के भगा देंगे मुझे। अरे यार तू और तेरा पति दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर तो लेंगे, यहाँ मुझे दो महीने से पगार नहीं मिली है यार। काकी बीसी मैं उठाऊंगा इस बार। यार हर कोई तो बीसी नहीं उठा सकता ना। और इस बार मैं बीसी नहीं भरूंगा काकी, अब मुझे 1000 वापस दे दो। ठीक है चलो 4 लिख देते हैं। यार काकी मुझे भी दे दो ना, मेरे को जरूरत है काकी। काकी मेरे भी, मुझे भी दे दो काकी, समझो ना। जिंदगी भर एक एक पैसे के लिए मरते रहेंगे क्या हम? एक एक पैसे के लिए ना जिंदगी मोहताज हो रखी है। भैया एक रिचार्ज कर दो ना। कितने का करना है? बेबी तू, वो तुम्हारा ताला तोड़ू बाप, उसको यहाँ का एड्रेस मालूम है। अगर क्या कर रही हो तुम यहाँ? एक और लड़की को भगा के आई हो, मुझे ना बड़ी लज्जा गले वाली फीलिंग आ रही है। तेरे घर आके मेरा हाथ मांग ले प्लीज। हाँ तेरे बाप से 1 ग्राम सोना खरीदने की औकात नहीं है मेरी, हाथ कहाँ से मांगू तेरे साले। ये बात मुझे अपने प्यार में डालने से पहले सोची थी, दफा हो जा। बेबी तुम गुस्सा क्यों हो रही है यार? बेबी कुछ करना, मुझे ना न्यूज पे तेरे साथ रहना है। आई वॉन्ट टू bring in this new year's with a bang bang. Yaar baby mujhe bhi kuch aisa hi karna hai, par kahan karenge? Matlab dukaan pe to kuch kar nahi sakte aur ghar pe wo meri nani sare time ghumti rehti hai. Tera problem hai, mera nahi hai, wo tu soch. Mujhe na new year's pe tu chahiye, bas baat khatam, tu soch. Dekho baba new year's. Hello ji papa. बस पापा निशा के साथ यहाँ केमिस्ट तक आए थे। ओए, तू क्या कर रही है? Well, I'm here. तुम्हारी बाकी दो विशेस बताओ। मेरी एक ही विश है कि तू यहाँ से गायब हो जाए अभी। विश तो तुम्हारी किकी गर्लफ्रेंड की है, न्यू ईयर प्लान विद बैंग बैंग। यार तू फिर सरकारी रोड समझ के पर्सनल स्पेस में घुस रही है, तेरे को मैं ए होस्ट ए भूषण ये फोन बेचना है, इसके बदले में एक सस्ता फोन दे और 50,000 अलग से। 50,000? 15,000 का नया फोन और 20,000 से 1 रुपया ऊपर ना दे रहा मैं। अगर मैं तेरे गर्लफ्रेंड के साथ न्यू ईयर प्लान कैसे मनाना है उसका आइडिया दूं तो भी नहीं। यश भैया आदि के लिए जलेबी पैक कर दो। अरे रे रे, ये काला वाला क्यों कर रहे हो? तुमको अपने रंग की कोई चीज पसंद नहीं है क्या? अपने रंग की नहीं पसंद। बढ़िया ही टेक्निकलर सोनल। अरे एंजेलिना दीदी
यहाँ गाजर का हलवा खाने आई है? नहीं, चेहरा गोरा करने के लिए तंदूर का राख लेने आई हूँ। है सच्ची? So cute you are. गाजर का हलवा खाने आई हूँ। आपको मैं क्यूट लगती हूँ? हाँ, और थोड़ी डम भी। डम भी? She's highly unprofessional, Yeshu. 2000 रुपए में सिर्फ 15 मिनट का मजा? क्या खा रहे हो भैया? 15 मिनट टिक गए? अबे जाओ ना यार तुम। वैसे इज्जत बढ़ा दी एंजल प्रिया ने। एक प्लेट गाजर का हलवा, एक प्लेट ही, और ऊपर से खोया। खोया खोया जान, गाजर का हलवा खाएंगे। ए माकड़े, इधर आ। मुंह बंद रख अपना, निकल। ब्लडी डेस्परेडो। गाजर का हलवा। प्रिया ही अंजलि ना, इतना बढ़ना ट्विस्ट। अंजलि ना दीदी। अरे लखिया, आप यहाँ पे? हाँ बस काजू का हलवा खाने आई थी। तू क्या कर रही है? मैं न्यू ईयर के लिए फरसान लेने आई थी। स्नैक्स या चकना? दीदी आप भी ना। तू अपना न्यू ईयर पति के साथ क्यों नहीं मना रही है? तेरा पहला साल है ना। अच्छा है दीदी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है, नहीं तो मेरा न्यू ईयर झंड कर देता। पहली साल में ये हाल। अरे दीदी, आप बोलती हो ना कि मर्द साले होते ही। वैसे दीदी, मुझे ना आपके जैसा बनना है। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, एकदम बिंदास टाइप। इंग्लिश में इसके लिए एक मस्त वर्ड है, बैडास। पर आपकी बहुत ही गोल गोल और गुड है। बेड नहीं, तू ना मुझसे दूर ही रहे, वरना तेरा पति बोलेगा who's the bad girl। ठेका किधर है? ठेका उधर है। लगता है लमसी में 31st को फ्री में दारू बिकती है। दीदी, लखिया की खोली में आज दारू बहेगी, देख लेना आप। तो खुद इन मर्दों के बीच में जाके दारू लाएगी? ना, मर्द खुद चल के आएगा दारू देने। मिस कॉल मार दिया है। वाओ लखिया, आई एम इम्प्रेस्ड। लखिया, क्या हो गया? सब ठीक है? पूरा का पूरा ठेका मंगवा लिया तूने आज? वो सब छोड़ो। हाँ, ये वही दीदी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वॉइस टैलेंट वाली दीदी है? वॉइस टैलेंट? धनी लोग फोन काम को क्या क्या नाम लेते हैं। अबे ओ छोटा दाना मीठा स्वाद, चल मेरी वाली चार निकाल। निकालता हूँ। हेलो, ये क्या था? जो चीजें लोगों के समझ में नहीं आती ना दीदी, लोग उसका पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। ये लेना, अच्छे से पार्टी करियो, ठीक है? परी पैसे लेके। अरे पैसे रहने दे, मैं जा रहा हूँ। परी बाय दीदी। बाय, चलें दीदी, चलो। अरे यार, तो कोई देख लेगा? अरे तू देख लेंगे यार।
तुम चाहती थी ना हम न्यूयर साथ में मनाए, तो आ गया। आधे घंटे से फोन कर रही हूँ तुमको, तुमसे एक फोन नहीं उठता। अरे तेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ गोद में उठाना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, तुम्हें प्यार करने आया हूँ और तुम फोन नहीं उठाया। जा रहा हूँ, बाय। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो पागल? कैसे जाओगे तुम? अच्छा अभी बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, हा? अच्छा एक मिनट, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? ये लो। करें हमारी साइलेंट पार्टी शुरू। क्या घूर क्या रही है? चल पार्टी करते हैं। ये बात बता, तुझे मेरे घर आके न्यू ईयर मनाने का आइडिया कैसे आया? तेरी गर्लफ्रेंड का बाप उसको ढूंढने बाहर तब निकलेगा जब उसकी बेटी घर से बाहर जाएगी। न्यू ईयर प्लान घर पे मनाओ, प्राची के साथ उसके घर पे। यार तू नाश्ते में सीएफएल खाती है क्या? दिमाग एकदम भन्नाट चलता तेरा। मेरे बारे में इतना भी मत सोच बुशु बेबी, वरना गर्लफ्रेंड के साथ मेकअप करते करते मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। चल, I'm a one woman man. ये बात अलग है कि इस बार शायद मेरी प्राची बेबी के साथ में मेरा आखिरी न्यू ईयर। उसका वो खूंसड़ बाप है ना, साला हर बार कोई नया लड़का ले आता दिखाने के लिए, और इस बार तो वो शादी करवा के ही मानेगा। डूड, शादी अपने गर्लफ्रेंड से ही करना, दूसरों के बाबू सोना से तो घर वाले शादी करा ही देते हैं। एंजेलिना ने दिया ये आइडिया। अरे नहीं, वो ब्रेड पिट वाली जोली नहीं, वो जो उस दिन बर्थडे के दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह घुसाई थी ना वो लड़की, वही वो वाली बेबी। वो तो मजाक के लिए था, जस्ट फॉर फन। कोई फन मन नहीं था, वो फैंटेसी थी कमीनी की। फन यार देखो, सॉकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझे तुम? आपको तो इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मोबाइल का जो चार्जर है वो किस अदा से उसमें घुस रहा है। मोबाइल चार्जर सॉकेट, तेरी गाड़ी थ्रीसम गाड़ी है ना, तूने एक बार उस किंकी का नाम लिया ना। यार तू क्या कर रही है? तेरी सारी तारे काट दूंगी। अबे मेरा भविष्य तेरे हाथ में है, छोड़। एक बात बता तू, यहां मैं सारा का सारा फोकस तेरे पे लगाया हूं, तू उस पे फोकस क्यों लगा के बैठी है? हां फोकस इधर रख। तू तूने 50,000 वाली बात बता दी है क्या? हाँ बता दी, और हम मान भी गए। आज जो हमने तुम्हें बहुत सारी गालियां दी थी ना, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वैसे ये पार्टी हमने तुम्हारे लिए रखी है। ओ हम्म, नाइस वे टू से सॉरी। और हमारा ये कहना है कि तुम सरोज की बात मान जाओ ना, फोन बिजनेस के लिए चालू कर रहे हैं वापस। आंटी जी, आप फोन के बारे में बात कर रही हैं? अरे उसमें गलती क्या है? औरतों के हाथ में एक हाथ पावर और एक हाथ पैसा, मुझे तो पैसा चाहिए। बोलो क्या कहती हो? फिर हाथ सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स। 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 Party!
2020 तो मार गया, जब 2021 में छुट्टी ना ढूंढी तो थारी में किस तो पक्ष सलामी दू। तुझे पता है मैं अगर कहीं का राजा वाजा होती ना तो तुझे एक मस्त हीरो का हार गिफ्ट कर देती। अब राजा नहीं हो तो क्या हुआ, अब रानी तो हो, देने को आज भी बहुत कुछ दे सकती हो। क्या बोल रहा है? एकदम करेक्ट बोल रहा है। आई एग्री विद यू। तुम लोग क्या बोल रहे हो? दीदी जो आपके पास हुनर है ना वो सिखा दो बस हम सबको, अपनी तरह रानी बना दो। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? सबको चढ़ गई है, गरीबी चढ़ी है ना दीदी, और गरीबी से ज्यादा घिनौनी बीमारी कोई नहीं। फूलों की खुशबू हमेशा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। कैसी कमीनी बुढ़िया है ना तू, हाँ मुझे पटाने के लिए कुछ भी बोलेगी, डायलॉग मारती है। अब सही तो बोल रही है एंजी। एंजी हम सबको फोन ऑपरेटर बनना है यार। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ तुम सब लोग को फोन ऑपरेटर बनना है, वो भी एक साथ। हाँ यस हम सबकी ये जरूरत है। सरोज बता ना, बता। देख एंजी नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है नो। पर क्यों यार एंजी? क्योंकि नशे में बकवास होती है और काम की बात होश में। अब तुम सब बताओ मुझे PSO क्यों बनना है? सरोज पैसे के लिए। मैं मानती हूँ कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर होता तो सब कुछ पैसे से ही है ना। आजादी के लिए, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। इज्जत के लिए, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ वैसे ही जीना चाहता हूँ। खूबसूरती के लिए, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाकर खूबसूरत बनना चाहती हूँ। बिजनेस के लिए, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि मर्द की ठरगी सबसे बड़ा धंधा है। और तुम सब लोगों को लगता है कि PSO बन के तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, हमारी भी और तुम्हारी भी। मेरी जरूरत? सरोज ने मुझे बताया था कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों ना साथ में मिलके पैसे बनाए, लगाने के लिए कैप्टन है। कैप्टन नहीं, कैपिटल, कैपिटल बोल रही है। तो जल्दी से हाँ कर दें जी। से यस। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है, लेकिन पहली बार इतने प्यारे लोग एक भिखारी भगोड़ी से कुछ मिन्नतें कर रहे हैं। दीदी बोल दो ना। हाँ जी प्लीज दीदी, प्लीज दीदी प्लीज। हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। नहीं अब से हाँ जी नहीं, हेलो जी, क्योंकि इस रूट की सभी लाइनें मस्त है। सॉरी हमारी सारी हेलो जियास फैंटेसीज को रियल बनाने में बिजी है। आपका वेटिंग टाइम है 2 मिनट 30 सेकंड। ढाई मिनट का वेट करके मैं मर ही ना जाऊं। आपकी एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त है क्योंकि इस रूट की सभी लाइनें मस्त है। हेलो जी दीदी, फेस पैक लगाओ कि स्क्रब लगाओ, कौन सा लगाने से मैं ज्यादा गोरी दिखूंगी?
दीदी एक बात बताओ, जब अपना काम ऑडियो का है तो ये वीडियो की ब्राइटनेस क्यों बढ़ा रहे हैं? कोई देखने वाला तो है नहीं। अच्छा, तुम तो खुद को देख सकते हो ना, तो अगर खुद फील नहीं करोगे तो किसी और को से फील कराओगे कैसे? पर दीदी हम तो काले हैं, हम कैसे फील करेंगे? मतलब हमसे हो पाएगा क्या? मेरे इस हेलोजिया को ये नहीं पता किसका ब्लैक मैजिक ऐसा सर पे चढ़ के बोलने वाला है कि लोगों के तो घर टूटने की नौबत आने वाली है। अपने बारे में बताना। शुगर खाई है? शुगर जैसी गोरी है ना, शुगर जैसी ड्राई और हार्ड नहीं हूँ मैं, हनी जैसी स्मूथ हूँ, बहुत ही चिप चिप हूँ मैं, तभी तो लोग मुझसे चिपक खे जाते हैं। सोनल, तुम्हारे अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ गया। क्या? 1,00,000 रुपए? 1,00,000? हाँ दीदी, 1,00,000। गुरबन परी बाकी औरत बनने में बड़ा दर्द है, फिर भी ताकतवर मर्द। Now let's talk about our target. मर्द? No. मर्दों के टांगों के बीच में जो होता है that is our target. क्योंकि मर्द तो सोचते अपनी से। हाँ। नहीं 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 नहीं, हमें एक ऐसा वर्ड सोचना होगा जो गाली ना लगे। सी, हम लोग नाइफ फोन ऑपरेटर्स हैं, बट हम फैंटेसी आर्टिस्ट भी हैं। तो फैंटेसी आर्टिस्ट्री में थोड़ा पोएट्री, थोड़ी मस्ती, यू नो। घंटे का नाम? जो गाली ना लगे मम्मी जी। बैंगन, गाजर, मूली, साइज और शेप के हिसाब से तो मतलब। मतलब मम्मी जी, आपने सिर्फ एक सब्जी नहीं, पूरी की पूरी सब्जी मंडी घुमाई है। हेलो जी। दीदी, शिशु। व्हाट शिशु? शिशु शिशु, जिससे शिशु होता है। हैं? शिशु हिंदी वर्ड है, जैसे गुप्तांग, जननी इंद्रियां, लिंग। नहीं नहीं, एक शब्द तो रह गया। दरवाजा किसने खुला रखा था? क्या चाहिए तुझे? चाहिए तो सब। नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैं तो मिठाई देने आया था। मालती काकी कहाँ है? ये रही मालती काकी, मिठाई मैंने शाम को मंगाई थी ना। मैं शाम को भी ले आऊंगा। हाँ तो शाम को ही लेके आ जा। अरे अब ले आया तो रख लेते हैं ना। रुक, पैसे लेके जा। पता नहीं किस जीनियस ने कभी कहा था, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो गलत हो सकता है वो गलत होगा, और इस के आते ही ना हम सब पे वो लौ लागू होता है। मैं शाम को भी आता हूँ। यार 15 मिनट में एंजेलिना ने मुझसे 2,000 रुपए पेटीएम करवा लिए। पैसे उधार मत देना उसको, मेरी जेब से 2,000 रुपए निकाल के लेके गई वो। उधार नहीं दिए, पैसे वार दिए भाई उसकी आवाज पे। अब मजे देती यार फोन पे। गांजा पी के पागल हो गए लगता तुम। तो क्या एंजेलिना फोन करती है सरोज भाभी घर में, वही बता रहा हूँ तुझको, वहां पर हमारी तीसरी टांग के दूसरे नाम पर क्लास ले रही थी वो। क्लास ले रही थी मतलब? हमारे एरिया की लौंडिया सरोज भाभी, मालती काकी, टेक्निकलर सोनल, रोबन लखिया, और तो और वो छैल छबीला कौन है, परितोष, इन सब की मंडली मौजूद थी वहां पर। पर क्यों? मुझे पता होता तुझे बताने आता क्या मैं? अरे ये सही है, 15 मिनट में 2,000 रुपए। प्राची के सोना, तुझे भी एंजेलिना का नंबर होना है क्या? एक काम करिए ले, तू भी क्या दोस्ती याद रखेगा मेरी, ये ले ले ले, बहुत मजे देती है फोन पे। अरे देखना, अरे सुन तू। क्या इतनी तेज धक्का कौन देता है? तो ऐसे कौन दबाता है? ये देखिए, 4,00,000 से 1 रुपया नीचे नहीं होगा। 4,00,000?
आप चाहो तो मार्केट में नकली पासपोर्ट बनवाने का रेट पता कर लो। जी पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्द से जल्द मेरा पासपोर्ट बना दीजिए। हाँ तो ठीक है, 50% एडवांस जमा करना पड़ेगा। अरे मैंने आपसे कहा ना, डोंट वरी अबाउट द मनी, आप मेरा पासपोर्ट बना दीजिए बस। जी ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज के फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो ना, आप ले आइए बस। ओके डन, बाकी मैं सब संभाल। जी बिल्कुल, चल। अरे इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पागल है क्या? वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं है। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. दीदी, ये मर्दों को रिझाने के लिए सांस भी अलग से लेनी पड़ती है क्या? हाँ, क्योंकि जितनी गहरी तुम्हारी सांसें होंगी उतनी तुम्हारी आहें निकलेंगी। दीदी, ये आहें मतलब? ठीक वैसी आवाज है ना जिसे सुनकर मैंने तुम पे तलवार चलाई थी। हाँ, वैसे मर्द उन्हीं औरतों के पीछे भागते हैं जो उनके जोक्स को इग्नोर करते हैं और उनके स्ट्रोक्स पे आहें भरते हैं। यार एंजी, तुम मर्दों को इतनी अच्छी तरह कैसे समझती है? मर्दों को समझना पानी उबलने जैसा है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस नीचे आग लगा दो। चलो फोकस ऑन बिजनेस, कम ऑन। Breathe in, breathe out. अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो। अगर फोन पे मर्दों के दिलों को छूना है तो पहले खुद को ऐसे तरह से छुओ कि तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाए। असल टांगों के बीच में नहीं होता है, कानों के बीच में होता है। It's in the head. So think, feel sex, and touch yourself sex. दीदी, but कैसे? Okay. Close your eyes. That's how you do it. तो चलो सब ट्राई करते हैं। फुलवा का क्या हुआ? अरे मालती, तुम्हारे यहाँ किसी के बच्चा हो रहा क्या? कराने की बहुत आवाज आ रही है। दीवारों के असल में कान नहीं छेद होते हैं, जिसका बड़ा सिंपल इलाज है साउंड प्रूफिंग। बाकी सब ठीक लग रहा है? बाकी सब ठीक है। ओ बेबी, आई लव यू। ओह आई लव यू। व्हाट, यू सो नॉटी। थैंक यू। यू आर सो नॉटी। ओह
पर एक छेद हम नहीं बंद कर पाए थे, की होल। और बात कर सरोज, मनोहर जी आप मेरी लाइफ में हमेशा ऐसे मोमेंट्स क्यों आते रहते हैं जो मैं एक ही चीज बार बार भूलती रहती हूँ। मनु बेटा, तुम तो 3 महीने बाहर आने वाले थे ना? अफसोस हो रहा है क्या मुझे यहाँ देख के? अरे और ये क्या तमाशा हो रहा है मेरे घर में? ये सब मेरी सहेलियां हैं, तैयार होने के लिए आई थी। तैयार होके क्या डांस बार में नाचने जाएंगी? आइटम नंबर करने। आइटम नंबर वही तो बिजनेस है। नंबर आइटम नंबर बिजनेस मतलब? आइटम नंबर 1 पापड़ बिजनेस। आपकी मम्मी जी का ब्रिलियंट आइडिया। आइटम नंबर पापड़, उसी की मार्केटिंग के लिए तो हम लोग इंस्टा के छोटे छोटे वीडियोस बना रहे थे। छोटे छोटे कपड़े पहनकर? और ये चिकना यहाँ क्या कर रहा है? भैया मैं तो वीडियो बनाने आया था। वीडियो बना रहा? सरोज तू समझती है क्या मुझे? जीजू, सरोज और आंटी जी एकदम सही कह रहे हैं। तुम कौन हो? मैं ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है एंजेलिना। एंजेलिना, साला नाम भी आइटम वाला है। जीजू यू आर सो फनी। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। इससे पहले कि मेरा भेजा घूम जाए तुम लोग सब लोग निकलो यहाँ से। एक मिनट, इस वक्त मेरा बेटा थका हुआ है और हम काम बंद कर देते हैं। चलो चलो निकलो निकलो सब लोग। लो, वॉशिंग मशीन में पानी भरने से पहले ही बिजली चली गई। तूने भी क्रिकेट बैटिंग छोड़ के चेयरलीडिंग शुरू कर दी है क्या? अरे तुझे तो पता है ना मनोहर जी नाराज हैं। चीयर लीडर के साथ नाइट स्पेंड करने की फैंटेसी है उनकी, पर अफोर्ड तो कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा मैं ही ये अरे पुराने मैचेस चला दूंगी, चौके छक्के लगने पे कमर हिला लूंगी। पर तुझे लगता है वो तेरा पति मान जाएगा इससे? तो क्या करूं एन जी, नहीं होगा। हेलो जी, देख नहीं रही है ना, पैसा है ना जगह है। तू ही तो कह रही थी डेटाबेस भी खत्म हो गया है, कैसे करेंगे? बट यार सरोज, मैं अभी भी यकीन करती हूँ कि हमारा कमाल का टीम है यार। मतलब तुझे पता है ना, मैं खुद इस वेंचर से मना कर रही थी, लेकिन तुझे देख, मम्मी जी को देख, सरोज परी लखिया, यू गाइस आर डैम गुड। एंड तुम लोग की डेडिकेशन और पैशन देखकर मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। एन जी, इस गोल्ड माइन में माइनिंग करने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, जगह चाहिए। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा यार। नहीं हो सकता मेरे को लग रहा है। हेलो एंजेलिना जी, भूषण बोल रहा हूँ। भूषण बेबी, व्हाट्स अप? मिलना था। कब? अभी। ओके डन, तो आ जा। रोमांटिक जगह पे बुलाया कोई डुएट गाना है क्या? ऐसे मिलना तो तुम भी चाह रही थी मुझसे, पहले तुम बताओ क्यों मिलना चाह रही थी? तुम्हारे बाबू सोना पुच्चू बेबी प्राची वर्मा को प्राची शर्मा में कन्वर्ट करने का मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? तू अपने प्यार के बाप सोनार को 25 लाख का सोना खरीद के दे, जो तू देगा
वो होगा स्त्रीधन, दहेज तो तुम लोगे नहीं, एंड सबसे बड़ी बात तुम एक सोनार को बिजनेस दोगे। क्या बोलता है? और मेरे पास ये 25 लाख आएंगे कहां से? I'll give you a job and a salary. 1 lakh rupees per month. Done. What done? जॉब क्या? मैंने अभी तक बताया नहीं तुमको। नहीं पता है मुझे, कांचा कार्ड, पूरे एरिया के फोन नंबर यानी कि डेटाबेस, और वो मनोहर भैया के आ जाने के बाद में जगह का क्या करोगे तुम अपने बिजनेस के लिए? यही कुछ आइटम नंबर पापड़ वाला बिजनेस कर रही हो ना? ये क्या कट गया ना पेच? कौन सा बिजनेस खोलना चाह रही हूँ? दो चाय ले क्या? यही काम करती हो ना तुम? हाँ, और इसी काम को बड़े लेवल पर करने के लिए अपने आइटम्स को ट्रेनिंग भी दे रही हो, है ना? देखो यार, बात इतनी सी है कि तुम जो भी धंधा कर रही हो, बिजनेस कर रही हो ना, उसे 50% का पार्टनर बना लो बस। और अगर मैं नहीं मानी तो? मुझे पता था तुम यही कहो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, पर मैं सारी बातें हम नदी पर ना कर लेते। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, तुम जरा ये देखो। 5 लाख ऐसे ही बटोरे थे ना तुमने लोग आते, ले वापस लौटा दी। मैडम दात तो तेरे रानी बना कर रख गई थी। देखो बात ऐसी है कि तुमने ये जो प्राची के बाप को पटाने का प्लान बताया ना, बहुत सही है। उसके लिए मुझे 25 लाख चाहिए, जो तो मुझे शायद चमन भी दे देगा। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि चमन आलम तुम्हारा बलम बने तो मिला लो। हाँ, सो यू आर ब्लैकमेलिंग मी? बिजनेस, व्हाट्स योर पार्टनर? मैंने कहा था साले होती ये घुसू बेबी और ब्रिलियंट भी इट्स क्रैक्ड माय प्लान। मतलब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अपने गर्लफ्रेंड पैचे से शादी करने के लिए। मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, बट आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टू हिम। नानी आ जाओ। हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अरे तूने ही तो बुलाया था फोन रिचार्ज करने के लिए। नानी ने देख लिया तो मुझे। नमस्ते नानी जी। मूवी हमारे घर में क्या कर रही है? हम बिजनेस कर रहे हैं आपके नाती जी के साथ। हमारे नालायक नाती के साथ बिजनेस है ना भूषण जी? हाँ एंजेलिना जी। पहली बार हमारा निकम्मा नाती कुछ बिजनेस तो करेगा। वैसे किस चीज का बिजनेस कर रहे हो तुम लोग? मैंने पूछा किस चीज का बिजनेस करने वाले हो? नानी जी कस्टमर सर्विस। हेलो जी। हेलो जी। दे रहे 2 लाख ब्याज 4%। अगर 6 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी एक किडनी हमारी। 100%। भैया आप टेंशन मत लो,
आपके पैसे 6 महीने में नहीं 2 महीने में लौटा दूंगा मैं। 2 महीने में 2 लाख लौटा देगा? ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो, हमें भी बताओ। बिजनेस नहीं है ये, तो पर्सनल काम के लिए ले रहे हैं। लौटा देंगे बिफोर टाइम। चलते हैं भैया। सुनो जी। नियम। हाँ भैया। सब मोह माया है, सुना है ना? तो हमारे कॉल सेंटर के मोह को एक माया की जरूरत थी, एक मैजिशियन की तरह हमें चुटकी एक हाथ से बजानी थी और जादू दूसरे हाथ से करना था। वो चुटकी वाला हाथ था पापड़ फैक्ट्री, एन इल्यूजन। असली मैजिक यानी हेलोजी तो उसके पीछे है। अच्छा गाइस सुनो, हम लोग को बिजनेस सैटरडे से स्टार्ट कर देना चाहिए। अरे नो 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 नो, बिजनेस हमको मंडे से ही शुरू कर देना चाहिए। अरे अगर हम सब सैटरडे को हेलोजी शुरू करेंगे तो हम सबको वीकेंड ओपनिंग का मौका मिल जाएगा। संडे को मर्द अपने डॉटर सन मम्मियों के साथ होते, उनकी फरमाइशें पूरी करते करते पक जाते हैं। मंडे को उनको मौका मिलता है अपनी मन की टॉक करने का। वो क्या करते हैं? डिटॉक्स करने के लिए नशा ढूंढने का। और वो नशा होगा हेलो जी। आई होप हमारा बिजनेस इतना अच्छा चले। अच्छा बुशु बेबी का बम है। 70 सालों में पहली बार मेरा बैंक में खाता खुल रहा है। यार नानी आपका नाम क्या है? हम तो पता ही नहीं मुझे आज तक। ज्योति की मम्मी। ज्योति तो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब से तेरी मम्मी पैदा हुई तब से लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अरे पर आपका कोई असली नाम तो होगा, बताओ जल्दी। नाक्षी शर्मा। क्या मतलब इसका? जिसकी हिरन जैसी आंखें हो। पर आपके आंखें तो तीतर के जैसी है। कौन तीतर का? नानी के साथ ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं। क्या सच्चाई बोल रहा हूँ? ये सब छोड़ो, ये आप अंगूठा लगाओ। ये खुल गया आपका अकाउंट। हरी नक्शी के अकाउंट में ना इतनी सारी हरियाली आने वाली थी, वो तो बेचारी बूढ़ी नानी को भी नहीं पता था। भूषु बेबी ने हेलोजी की जोरदार प्रमोशन शुरू कर दी। बिजनेस प्रमोशन के आइडियाज ना MBA स्टूडेंट को भूषु बेबी से लेने चाहिए। क्या आप अकेले हैं? क्या आप में काम सूत्र की कमी है? एक नंबर मिलाइए, कहिए हेलो जी। नंबर क्या है? ट्रिंग 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 ट्रिंग। स्पेशल ये दोस्त ले जाओ। ओके गाइस, जैसे हम लोग जब डेट पे जाते हैं हम सीसा लेसी सा पुशअप ब्रा पहनते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम जो घर पे पहनते हैं वो कॉटन वाली गंदी सी ब्रा कोई ना देखे। उसी तरह से क्लाइंट के लिए हमने फैंसी नाम रखे हैं। कोई भी क्लाइंट को अपना असली नाम नहीं बताएगा। दीदी आपने अपना नाम क्या रखा था? रूबी, टिंकल, मुनमुन, देविका, स्वीटी, अनुशीला, एंजेलिना। पर दीदी आपका असली नाम क्या है? नाम छोड़ो, भी काम पे ध्यान दो। ओके, यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने 3 पैकेजेस बनाया है।
सिल्वर डायमंड गोल्ड, तो जितनी लंबी कॉल उतना ज्यादा माल. Got it? Go, 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 जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, go. Headphones पहनो अपने, fast. हेलो जी. हेलो जी, मैं आपका स्वागत है. हाँ, आप ही के कॉल का तो इंतजार था मुझे. अच्छा अच्छा, पहले ये बताइए कि आपने क्या पहना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या पहना है. क्या है, क्या कर रही है, क्या हुआ? Go easy. पहले पता तो कर, ये टेस्ट मैच कर रहे हैं 2020. तो बताइए फिर आपका साइज क्या है? किसका? अरे मोबाइल फोन का. 5.8 इंच, 4.6 इंच या फिर जो भी लेटेस्ट चल रहा है 6.9 इंचेस. आप तो बड़ी चंट है. आपका क्या साइज है बताइए. अब आप हमसे मोबाइल फोन का साइज तो पूछेंगे नहीं, तो बता देते हैं कि अगर आपने हमारी गोदी में सर रखा ना, तो आप हमारा चेहरा नहीं देख पाएंगे. आपका नाम क्या है? क्यूट चांदनी. आपका असली नाम क्या है? हमारा असली नाम सूरी. अब नहीं बोलेंगे. पक्का पक्का पक्का. बोलना जल्दी, कैसी दिखती है तू, बोल. फिगर ऐसा कि लोग देखने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे. चोबन ऐसा कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के एयरबैग्स खुलते हो. रंग कैसा है तेरा? गोरी. गोरी हूँ मैं. गोरा ही है ना, तो फिर इतना हकला क्यों रही है? काली तो नहीं है तू? ब्रा कौन से कलर की पहनी है तूने? ब्रा तो नहीं पहनी है. क्या बात कर रही है, ब्रा ही नहीं पहनी है तूने? और वो पैंटी? वो पहनी है, ग्रे कलर का है. छी, ये तो लड़कों वाला कलर होता है. कुछ चटकीला भड़कीला. लाल गुलाबी रंग पहनना चाहिए ना लड़कियों को. ग्रे कलर में क्या रखा है यार? सुनो ना, तुम्हारा फेवरेट स्टाइल कौन सा है? मैं बताऊं? डॉगी स्टाइल? नहीं, नबीना स्टाइल. नबीना स्टाइल? वो आंख पे पट्टी बांध करते ना, वही. ब्लाइंडफोल्ड? हाँ. नॉटी. पता है, पैसों से यार नहीं खरीद सकते, लेकिन खरीद सकते हैं जो इन मर्दों ने दबा के खरीदा है. मर्दों को गधा कहो तो बुरा मान जाते हैं. उनको गधे की ना अकल चाहिए, ना शक्ल, ना किस्मत. बस एक चीज गधे जैसे चाहिए, और उस एक चीज के चक्कर में मेरी हेलो जियाज ने उनको ऐसा गधा बनाया कि हमारा पहला हफ्ता ही माला माल बिक्री रहा. सब लोग एक्साइटेड थे. हम बहुत ही बैडएस लड़की हैं और हमारी एस वो बड़ी गुड है. Say something nice. पुड़िया खाती हो? Shut up. और क्या क्या पीते हो? दूध, बादाम वाला. वर्मा जी, अंदर कैसे है? निकल बाहर. अरे निकल बाहर. एक मिनट, जो देने आए वो दे दूं, फिर उसके बाद चला जाऊं. क्या देने आए? चूना के जहर. तीन कैमरे वाला केयर जी. क्या है ये तीन कैमरे वाला फोन?
बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मुझे काय दे रही है? अरे प्राची ने बताया आपको जरूरत है बिजनेस के लिए। प्राची जी तेरे को क्यों बोली भी? प्राची मुझे हर बात बताती है। बिजनेस के नाम पे याद आया, ये रिये 1,00,000 रुपए एडवांस। किस चीज के एडवांस है? बाकी 24,00,000 बाद में दूंगा। अबे चोर तो तू था, अब कहीं टकैती मार रहा है? कैसा ही समझ लो, टकैती है लेकिन कैसे की नहीं, प्यार की। अपनी बुढ़वी वाइफ को ना 25,00,000 के जेवर चढ़ाने वाला हूँ, बस आप काम पे लग जाओ ससुर जी, मतलब सुनार जी। तुम यहाँ फोकस करो ना। हाँ बेबी। तो हम कहाँ थे? यहाँ थे। अब क्या है? पता नहीं। किनकी कमीनी का फोन? आप एक मिनट देख लेता हूँ ना, कुछ काम से फोन किया होगा। हाय एंजेलिना। मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिए? पासपोर्ट एजेंट का फोन आया था। अच्छा, आज ही बुलाया डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है मैं आ रही हूँ, उधर मालतिका की इधर मिलते अपन। हाँ हाँ ठीक है। ये भाई साइड में ले। ओ हेलो, तुम मुझे ऐसे हाई एंड ड्राई छोड़ के कहाँ चल दिए? अरे बेबी अभी आ रही हूँ, तुमको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? तुम मेरी जान हो, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने जा रही हो। बस अभी गया और अभी आया, वहीं मिलते हैं अपनी वाली जगह पे। ये ले भाई। ये ले। बात बताइए ना, ये जब बीच पे करते हैं तो अरे चिंचनाने लगती है का? जो बिजनेस मेरी वजह से शुरू हुआ था आज उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई कॉल करके आना चाहिए था ना, आज मैं थोड़ा बिजी था। मैंने सोचा जब आपके 2,00,000 रेडी हैं और ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स, तो वेट क्यों करना? जी देखिए, वेट तो हम भी नहीं करवाएंगे आपसे, 10 दिन में आपका पासपोर्ट रेडी है। ठीक है, 10 दिन के बाद मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच। यार एक बात बताओ, ये तुमने तत्काल में पासपोर्ट चमन के चक्कर में बनवाया है, ये बाहर कोई सेटिंग वेटिंग करके रखी है तुमने? क्यों नहीं कराई होगी तो तू करा के देगा क्या? क्या तो खुद की जिंदगी में किस्मत का नेटवर्क नहीं आ रही है, तुमको मदद का हॉटस्पॉट कहाँ से दूंगा? वैसे चाहने वाले तो बहुत होंगे तुम्हारे। मेरे चाहने वाले मेरी आवाज के दीवाने हैं, मेरे नहीं। कोई असली चाहने वाला मिले और मुझे रोक के देखे, शायद मैं रुक भी जाऊं। यार ये सब तुम्हें लगता है, तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, एक बार हेलो जी बोल के तो देखो। कभी समुद्र का तैराक पैसा मारा वाला एग्जांपल सुना है? यार फोन पे तो तुम बातें करती हो और ये असल जिंदगी में फिल्मों का डायलॉग खेलती हो। नहीं कुछ समझ नहीं आया? चलो है? और क्या क्या करती हो तुम? कुछ और। एक बात बताओ यार सोनम, कभी रियल लाइफ में किया है? सस्पेंस है। जैसे ये सस्पेंस है कि तुम्हारी बीवी होके भी तुमसे क्यों नहीं करती? बीवी का नाम भी मत लेना। 173 दिन हो गए हमारी शादी को, साला ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादीशुदा हूँ कि रणवा हूँ। चंदू जी कहाँ हो आप? साला नाली में बह बह के मेरी नस्लें बर्बाद हुई जा रही हैं। जब भी उसके पास जाता हूँ तो ऐसे झिटक देती है जैसे कि उसका पति नहीं कोई जानलेवा बीमारी हो। उसके लिए मैं हूँ ना, मेरे साथ तुम जब चाहे जो चाहे कर सकते हो। काश तुम मेरी बीवी होती यार। काश इंस्टा में मेरे 2 मिलियन फॉलोवर्स होते, उतने ही मेरे बैंक अकाउंट में, बड़ा सा घर होता और साथ में तुम होते। काश। पर मुझे तो तुम चाहिए ना, सिर्फ तुम। कहाँ थे आप? अरे आपके लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाई हूँ। बस गुलाब जामुन ही गरम लाना, तुम ठंडी ही आना।
काकी नंबर देख के बताओ कि कल रात 10:40 को किससे बात कर रहा था। क्या हो गया सुबह सुबह मिर्ची खा के आई है क्या? थानेदार की तरह सवाल जवाब किए जा रही है। काकी वो सब छोड़ो कि ये क्लाइंट किस हेलोजिया से बात कर रहा था ये बताओ। सिजलिंग सोनम मतलब सोनल। अरे ये तो इसका फिक्स क्लाइंट है, तू उसको अपना बनाने की कोशिश मत करो। काकी वो मेरा है, उसका फिक्स क्लाइंट मेरा फिक्स पति है। ओ भैंस की आंख, ये तो अखंड हो गया। लखिया का पति मेरा आशिक। सोनल तुझे पता नहीं था क्या कि तेरा कॉलर लखिया का पति है? उसने अपना नाम चंदू नहीं राहुल बताया था, कैसे समझेगा मुझे? साली गायन भी नौकर छोड़ के वार करती है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे पे मेरा घर बर्बाद कर रही है। अबे जा, कौन सा घर? शादी के 6 महीने बाद भी जो तूने नहीं बताया वो। लखिया सोनल को नहीं पता था? हाँ, पर पता था कि ये उसको बीमारी समझती है तभी वो मेरे पास आया। वो चुप कर, चंदू ने तुझे सब कुछ बता दिया? हाँ सब बताया, कि यही कि शादी के 6 महीने बाद भी वो कुंवारा है। सोनल सच कह रही है? तू काकी इसी का ठेका ले रखा है, मेरे पति को चरम सुख देती का। तेरा पति कहता है कि काश मैं उसकी बीवी होती। तू बदन की नहीं तो दिल की भी काली है, तूने बोल भी कैसे दिया ऐसा? सोनल आज के बाद तू मुझसे बात मत करना। लखिया 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 मेरी बात सुन, सोनल शांत हो जा, सोनल शांत हो जा। अब मैं किसी का घर तोड़ने वाली या पति छीनने वाली लड़की नहीं हूं काकी, पर तेरी बातों से ऐसा लग रहा था कि तू चंदू पे लट्टू है। हाँ तो मुझे पता नहीं था कि मैं जैसे राहुल समझ के बात कर रही हूँ वो लखिया का पति चंदू है। तो इसका मतलब ये सारे फसाद की जड़ चंदू हुआ ना? यार चंदू कैसे गलत हुआ, शादी की है उसने, अब वो अपनी बीवी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा तो पड़ोसन से रखेगा, कैसी बातें कर रहे हो यार। गलती लखिया की भी नहीं है। कैसे यार, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। सर रहने दीजिए ना दीदी, मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी कमीनी हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे पति की क्या प्रॉब्लम है, वो सब रहने देते ना। मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने आई और बस काम करके जाना चाहती हूँ, बस उतना ही करते हैं ना। कूल है लखिया, हम सिर्फ काम की बात करेंगे भी। और एक काम और कर दीजिए, चंदू का नंबर ब्लॉक करवा दीजिए। भैया भैया जी, राघव का पता चल गया है। तेरा पता भी चल जाएगा सुट्टी।
रोशन की गर्लफ्रेंड है ना प्राची, हाँ उसके पापा की दुकान है। कौन सी? ये वाली। ओह, तो इसी सुनार को 25 लाख का बिजनेस देने का प्लान बताया था मेरे खुशू बेबी को। खुशू बेबी? जी? अरे मैं प्राची को मॉक कर रही हूँ, अपना काम करना। यार फोन क्यों लग रहा है? जे फोन पड़ा पड़ा देख के बुरा लग रहा है। सेठ जी हमारी औकात तो नहीं है, फिर भी कह रहे हैं ये फोन आप रख ही लीजिए, 3 कैमरे वाला है। बेटी ब्याह दूँ उस भूतिये से? अरे आप सलमान खान थोड़ी ना है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो तोड़ेंगे नहीं क्या? गिफ्ट है, EMI का भी कोई झंझट नहीं है। आजकल गीता पढ़ रहे हो? नहीं। हमारी जूतियाँ दिख रही तुम्हें? हाँ। एक उठाओ। नहीं माफ कर दे। ज्ञान पहन ले, क्या उठा ले क्या? जी नमस्ते अशोक जी। अरे नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं? मैं ठीक बढ़िया। हाँ ये आपके 80,000। ओहो हो लक्ष्मी जी के दर्शन करा दिए आपने, बढ़िया। और ये रही आपकी सोने की चेन और कंगन, पालिस हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। एक बेहतर चीज दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं अशोक जी, कुछ खरीदना नहीं है हमें। तो बहन जी लेने को कौन कह रही है, भाई देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अपनी फ्रेंड को भी दिखाइए भाई, लमसे की कारीगरी जी भी देखे। लीजिए ट्राई कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुनिए तो सही, एक बार इसे ट्राई करके देखिए। देखिए देखिए देखिए, वाओ इट्स गॉर्जियस। आपसे ज्यादा नहीं है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए एक बार। कर ले। सबसे टॉप का मॉडल है, अभी तक आया हुआ पन्ने में, पर डायमंड लगा रखे। ये देखिए बहन, हमारी बात मानिए, एक बार पूरा सेट ट्राई करके देखिए। नहीं नहीं सुनिए तो सही, कुछ नहीं होता भाई, लेने की बात नहीं है, एक बार ट्राई तो करिए। ट्राई कीजिए ट्राई। क्या बात है, सही बताऊं जी, हमारी दुकान में जितनी मॉडलों की फोटो लगी है ना, ये सब फेल है इनके सामने। थोड़ा सा ऐसे हमको लगा हमने बहुत बड़ा ज्ञान फैल दिया है, पर ये क्या नहीं फैल, बहुत कुछ सीखना है हमें इससे। जी देखिए एंजेल, लग तो बड़ी प्यारी रही है तू सच में। भाई ये सेट हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। फ्री? वाह अशोक जी, मुझे तो मेकिंग चार्जेस में भी डिस्काउंट ना दिया आपने आज तक। बहन जी व्यापारी आदमी हूँ, कुछ दूंगा तो कुछ लूंगा भी तो सही। 3 तोले का हार है, बदले में आप मान ले मॉडलिंग कर लो बस। नहीं मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। जी क्या कर रही है? नहीं नहीं। अरे बहन जी भले आप बड़े शहर से हो लेकिन लमसी वाले भी ना हमको हल्के बना लो। ये देखो ये TV की मॉडल है, और ये मिस परतपुरा, और ये हमारी कैलेंडर गर्ल, सबने हमारी दुकान के लिए मॉडलिंग कर रखी है और एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। तो बहन जी ज्यादा पैसे ले लो। मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप मुझे दुगनी रकम भी देंगे तो भी मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। सेठ जी वैसे औकात तो है नहीं हमारी, फिर भी बता देते हैं, ये वही सेक्सी सुंदरी है जिसे भूषण घुमा रहा है आजकल। तू पागल है जी, इतना अच्छा ऑफर था यार, कैसे है मतलब? कभी शरीफों वाले काम कर लिया कर फॉर अ चेंज। मैं उस चम से भागकर शहर में आई और तू चाहती के पूरे शहर में मेरे होर्डिंग्स लगे और उस चम को इनविटेशन मिल जाएगी, आओ मेरी मारो। 3 लाख का हार था इंजी, तो कमा लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है, तो सुंदर भी लग रही थी। चुप बैठ। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया भैया मुझे छोड़ दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं बता दूं स्वीटी कहाँ है? अरे कौन स्वीटी भैया, मुझे नहीं पता ये कौन स्वीटी है। जिसका गर्ल बात करा करता तू फोन पे। भैया मैं तो मुन्नुन से बात करता था। भैया कौन है ये स्वीटी, कौन है ये? चढ़ेगी हाथड़िया निकालेगा, टांग दूंगा।
छुट्टी के बारे में कुछ भी गलत बोले तो? नहीं भैया, कुछ नहीं बोलूंगा। भैया मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। मामा भैया मुझे छोड़ दो। गाड़ी आ रही है, कुछ काम करना है। तोप दे इसको। उसे पेटीएम पे पैसे भेजे थे भैया, ट्रांजेक्शन इसलिए उसका उसका नंबर होगा। ए पर्सनल इंजीनियर बता कौन सा है, बता रही हिस्ट्री कौन सा है इसमें, बता कौन सा है भैया। ये वाला है भैया, मुझे माफ कर दो भैया, ये तो किसी सरोज का नंबर है लमसी में। अभी सरोज कौन है मादर? भैया मुझे नहीं पता कौन है ये सरोज, मुझे नहीं पता कौन सी बेटी कौन सरोज, पता लगा लेंगे। हाय, काश मैं पापड़ का आटा होता तो आप भी मुझे यूं ही गूंद रही होती, फिर धीरे से लिटा के बेल देती और फिर तुझे वैसे ही बना देती जैसा तू है, काले सांवला हूं, काला नहीं। और सुनो, दिल खुश करने की चीज लेके आया हूं, आ जाओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे ए आराम से चल ना। तो ये इनकी खुफिया गुफा। अरे अंदर कहाँ जा रही है? अपने पति से मिलने, यहाँ का बॉस है वो। यहाँ की बॉस एंजेलिना दीदी है। तेरी एंजेलिना दीदी की ना ऐसी की तैसी की। रे पैसा, अरे रुक जाओ क्या यार, तुम भी रुकने को क्यों बोलते रहते हो बार बार? क्या बोलोगे? नहीं फंसूंगा क्योंकि यहाँ पे है ना, पलटे नहीं है। कितने कितने कमाए उन्होंने? अच्छा भाई, सबका हिसाब किताब हो गया, अभी जो बाकी के बचे पैसे हैं वो बैंक में डालने जा रही हूँ, ठीक है? इंजॉय। चल भाई। चलो भाई। चुप है तुम यहाँ कैसे आई? मतलब तेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ये लड़कियों की चल रही थी, ये सब गॉसिप नहीं था? तेरा हेलो जी है। मेरे को नहीं पता क्या चल रही है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? ऑर्गेज्म लेने आई हूँ, मेरे ऑर्गेज्म डोनर। तू ही तो कहता है ना वर्क प्लेस और सेक्स, वेरी गुड आइडिया, चल ना। बेबी इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तुम चलो मेरे साथ। ओए क्यों, कोई नई फैंटेसी पूरी करनी है एंजेलिना के साथ? हाँ नहीं, यही तो कर रही हूँ ना मैं, हमारी शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए ये काम कर रही हूँ और तुमको फैंटेसी लग रही है? तो शक करती हो यार तुम। मैं भी ना हमारी शादी के लिए हेलो जिया बनना चाहती हूँ, समझे? नहीं बन सकती। ओ हेलो, तू कौन होती है मियां बीवी के बीच में बोलने वाली? निकल यहाँ से और अपना मुंह बंद कर। ए निब्बा निब्बी होंगी तुम लोग बाहर, यहाँ की बॉस मैं हूँ।
और मैंने डिसाइड किया कि तू यहाँ काम नहीं करेगी, तू निकल। I so don't fucking buy you. मेरे नैन से पर नजर लगा देगी ये बिच। I mean, काम वाम सब ठीक है। I have seen Khushbu be smart. But अगर लिपस्टिक यहाँ नहीं रहेगी तो लिपस्टिक का कवर यहाँ क्या करेगा? समझी? Khushbu baby, चलो। एक बात सुन लो तुम, वो डेस्टिनेशन वेडिंग, इंस्टा वीडियोस, ये सब भूल जाना फिर, क्योंकि ये काम नहीं तो पैसे नहीं, पैसे नहीं तो सपने नहीं, ठीक है? बनाओ वीडियोस, रोका किसने है? सारे इंस्टाग्राम वीडियोस बनेंगे, पर कास्टिंग चेंज करके। ट्राई करते हैं। कास्टिंग चेंज करके? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट देगी पाची? ले टेस्ट। डर गई क्या? करती तो ना घंटा नहीं मैं किसी से। अरे यार तुम 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 दोनों छोड़ो ये। करना पड़ेगा, तैयार है? टेस्ट ले रही हूँ, मजे मजे देने का ही तो काम है, जरा थोक बजा के देख भी तो दूँ कि तो हलोजिया बनने के लायक भी है कि नहीं। क्लाइंट को साली और घरवाली दोनों चाहिए। चल चल। हेलो डॉगी। बोलो बिल्ली। तुम्हारी शादी छुप छुप के अपनी दीदी और जीजू की बेड टाइम स्टोरी सुनने की कोशिश कर रही है। नॉटी? तो क्या सजा मिलनी चाहिए तुमको केटी? केटी? बिल्ली की बहन केटी? आपकी कहानियों के क्लाइमैक्स की तो दीवाने हैं हम। आप जो सजा देना चाहो चीजू, कहो तो मुर्गी बन जाओ या फिर घोड़ी। बस गधी मत बन जाना, गरम रहने देना, जला मत देना। जलने की इतनी फिक्र है तो दो लड़कियों के बीच रखा क्यों है इस जलते कोयले को? दीदी सुलगने में और जलने में बहुत फर्क है मेरी जान। हाँ बेबी, ये जो चीज बोल रही है ना, वो फर्क यही है। वाइन के नशे की तरह सरक के चढ़ने दो, चाय की चुस्की की तरह शोर मत मचाओ। What not to do की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है तेरी। एक काम कर, इसमें एक चीज और ऐड कर ले। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना ट्रेसपासिंग नहीं करनी चाहिए, समझी? अरे यार, बात प्राइवेट पार्ट से प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कैसे पहुंच गई यार? भूषण, तुम्हारे गर्लफ्रेंड से नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं। Khushbu baby, फोन रख। यार देखो ये सब क्या हो रहा है यार। रख। ए बड़ेगे। ओ हेलो प्राची वर्मा, पांच लाइनें बोलूंगी उसके बाद ये पूरा टॉक टाइम तेरा। गो अहेड। ये Khushbu baby को 25 लाख के सोने का आइडिया तूने दिया था ना, तभी वो मोबाइल फोन की तरह कभी चार्जर को तो कभी हैंड फ्री के पिन को अंदर लेके बैठा रहता। मुझे ना Khushbu baby का बैटरी बैकअप बनना है, और प्रॉब्लम क्या है इसमें? टैलेंट तो देख ही रखा तूने मेरा। नहीं साली शानी है, और अगर मैं ना कह दूं तो? तू ना Khushbu baby का चार्जर खींच लूंगी मैं। फिर ये जो सेटअप है ना तेरा, इसकी बैटरी ज्यादा दिन चलने नहीं वाली, सोच ले। साली शानी नहीं, डेढ़ शानी है। ऐसे उठा के उसको यहां से निकाल नहीं सकती मैं, और फिर Khushbu baby का बट भी तो बहुत क्यूट है ना, कैसे देखूंगी? ओके, तुम मालती आंटी की अंडर ट्रेनिंग दो, शी इज मोर एक्सपीरियंस देन यू। क्या पिएगी, चाय या कॉफी? रेड बुल मिलेगा? एक बात बता, तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, तू पीएसओ क्यों बनना चाहती है? सोना खरीदूंगी 25 लाख का।
27 साल हो गए हमें लमसी में, पर सच बताए ना, पिछले 3 महीने से लमसी कुछ अपना सा लगने लगा है। क्यों? जानते हैं कि हम तुमको मिले नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हैं तुमसे। हम तो रात को जब सोने भी जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि काश तुम तकिया होती और हम तुमको कस के पकड़ के चिपक के सो जाते हैं। और सारे लोग सोचते कि दो लौंडे सो रहे हैं और अंदर ना दो औरतें प्यार कर रही होती हैं। देखिए, ना मैं लड़का हूँ और ना तुम लड़की, और वैसे भी आपने जहाँ फोन किया है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ काम करती हैं। पर वहाँ पर एक लड़की है जो लड़का है। ठीक हमारी तरह तुमसे तो सच बोल ही सकते हैं ना। एक बात कहें, हमारे अंदर भी ना बचपन से लड़कियों वाली फीलिंग थी, लेकिन साला हमारे पापा ना हमें मार मार कर, डरा धमका कर लड़का बनने पर मजबूर करते रहे। हमसे कम आपके पापा हैं तो सही, हमें तो साला कब कहां कौन फेंक कर चला गया, याद ही नहीं। पर एक बार मिलो ना यार, प्लीज। नहीं, हम मिल नहीं सकते, सॉरी। बस एक बार, बस एक बार मिलो, फिर हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। सच बोल रहे हैं। स्वीटहार्ट, हाँ मैं कैब में बैठ गया हूँ, अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बाय। परितुष, तू कहाँ जा रहा है? अपना काम करो ना काकी, मेरी हेलोजी के अलावा भी कोई लाइफ है और उसमें रोक टोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू अपने परमानेंट क्लाइंट से मिलने जा रहा है? काकी, मैं अपनी हर पेमेंट का कट आपको देता हूँ ना, और उसके बाद मैं अपने पर्सनल टाइम में क्या कर रहा हूँ इसे आपका कोई लेना देना नहीं है। पर मेरी एक बात समझ जरा, मैं तुझे क्या बताना चाह रही हूँ। प्लीज काकी। भैया आगे साइड में रोक दीजिए। रमसम भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नियम, तू और तेरी आइटम मिलके जो माल छाप रहे हो ना, सब पता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा और प्राची का तो प्यार है बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्राची सुनार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो टिंचक सी आइटम लेके घूमते हो ना तुम शहर में बाइक पे बिठा के, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत माल छापा तुम दोनों ने। देख, मुझे घंटा मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो भी तुम्हारी कमाई है उसका 20% लमसम भाई को पहुंच जाना चाहिए, बात खत्म। मुनम जी को मैं भेज दूंगा भाई खाता लेके, न चढ़ाते रहना। लमसम भाई, कोई देख, तूने और तेरी आइटम ने धंधा बहुत मस्त जमाया है, इसलिए तेरी इज्जत करता हूँ मैं। खुद चल के आया हूँ मैं तेरे पास, तुझे ईंट के भट्ठे पे नहीं बुला सकता था मैं। देखा ही होगा ईंट का भट्ठा, मुझे किसी को मारने के लिए ना पंटों की जरूरत नहीं है, समझे?
कहां बसानी और लुटेरे पहले आ गए। 20% चाहिए इनको, घंटा दे रहा हूं 20%। बस अरे डर क्यों रही हो जानो, दोस्त है मेरे, हमने ही बुलाया है। अच्छा आ जाओ, चलो आओ। अरे बाबू क्या हो गया तुमको, अरे यही तो करना, तुम छटपटा क्यों रही हो, हम दोनों देंगे ना, तो लेने वाला चाहिए ना, इसलिए बुलाया इन लोगों को, चलो मजा आएगा। कैसी हरकतें कर रही हो तुम, कुछ नहीं होगा। परी मेरी तरफ देखो, हम यही करना चाहते थे ना, ला ला मुझे ये दे दो, तुम हो जाओ, दे दो परी मुझे दे दो, कुछ नहीं होगा। अरे वाह, केले के साथ खरबूजा भी आया है क्या? खरबूजा नहीं, पूरा का पूरा पाइनएप्पल आया है तुम लोग की घुसाने के लिए। साले फ्रूटियो, किया था ना तुझे, मना किया था ना, अगर हम लोग नहीं आते तो आज तेरा क्या हाल होना था। काकी मुझे लगा वो सच में मुझसे प्यार करता है। तो हम लोग तेरे क्या दुश्मन हैं जो हमको इतनी खरी खोटी सुना के गया तू? गलती होगी अभी तो मेरी फैमिली हो अच्छी थी, कहाँ शर्ट कहाँ तेरे कपड़े, अच्छा पहना दे। कभी कभी लगता है कि मर्द पहले बंदर नहीं भेड़िया था, साले झुंड में आती जाते हैं, नोचने का सोचने लगते हैं। अगर दुनिया की हर औरत धड़क का जवाब सनक से देना ये दुनिया चमक जाएगी। खूब रास आ रही है मैडम जी आपको, है मैं तो कह रही हूँ कि आप जो है ना अपना पासपोर्ट फाड़ो और यहीं रह जाओ। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी कंपनी बहुत रास आ रही है। अरे बहुत रास आ रही है, तभी तो देखो नई गाड़ी खरीद ली, सेकंड हैंड है पर ठीक है, लाइफ की फर्स्ट कार है। हाँ और तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट कार में तुमने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाने के बजाय मुझे बिठाया।
ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पासपोर्ट वाला और ये कार डीलर आसपास ही थे ना, इसीलिए बस और कुछ नहीं। उसको पता चलेगा ना तो तेरी हालत उस कुत्ते जैसे कर देगी वो। कुत्ते जैसी हालत होने तो वाली है, पर एक की नहीं दोनों की, वो भी अगले एक मिनट में। अरे यहाँ का ढूंढ रही हो खान, कुत्ते की बात हो रही है तो कुत्ता ही बात करेगा ना। फटा पोस्टर निकला हीरो वाला सीन होने वाला, पर पोस्टर नहीं फटेगा, कुछ और फटेगा, वो भी एकदम भन्ना तरीके से। क्या हो गया, सेकंड हैंड गाड़ी रंग दिखाने लग गई क्या? ये तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? झटके गाड़ी नहीं एंजी, अभी तुम खा रही हो अभी लटक लटक के, वो देखो। पब्लिसिटी के लिए तो वो खुद चौराहे पे नंगा नाच लेगा। देखो एंजी बेबी, तुम्हारी फोटो यूज किया उसने, जाके पैसे मांगो। मैं तो कह रही हूं, शट अप भूषण, तुम नहीं समझ रहे हो, इस पोस्टर में मेरी फोटो नहीं, फोटो में मेरी माला चली है। अब जोश और चमक मुझे ढूंढ कर निकालेगा। I'm so dead. यार तुम शांत हो जाओ पार्टनर यार, ऐसी कौन सी टॉप चीज है चमन। पिछले 2 सालों तक हमने एक से बढ़कर एक किंकी पर्वर्टेड वाइल्ड फैंटेसी डिस्कस की है, लेकिन कभी भी बात यहां तक नहीं पहुंची। आज पहली बार बात यहां तक पहुंची है, तो आज मैं वो सारी फैंटेसी पूरी करना चाहूं जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। कैसा लगा, पसंद आया? की बात होगी? अच्छा ना लगा? ये क्या है, इतनी सेज सजावट से भाग रहा था नॉट, एक ग्लास सूप भी रख लेता। सांप ना हो, तेरा सही आओ, समझ गई? सिंगल मॉल्ट पीऊंगा आज। सिंगल मॉल्ट? सिंगल दार की कंवारी दारू। तुझे लगता है मैं वर्जिन हूँ? हाँ, मैं जानू तू वर्जिन है। अच्छा? तुझे मेरा असली नाम भी पता है? क्यों, छोटी तेरा असली नाम ना है? अच्छा, वर्जिन की स्पेलिंग बता। V-I-R-I-G-I-N। ऑर्गेज्म का मतलब आना है? इसका मतलब? क्लिटोरिस के बारे में क्या जानता है? ये क्या हुआ क्लिटोरिस? मेंस्ट्रुएशन। मेंस ही लेना देना होगा इसका तो। अपनी मतलब की सारी बातें पता है तुझे, और मेरी मतलब की एक भी नहीं। तू ना मेरे सेवा बनने के लायक नहीं, तू क्लाइंट ही। ए, आज से तेरे फोन से थोड़ा काम बन, समझ में आ गई बात? अब सिर्फ तेरी पूजा होगी, पूजा, ओनली पूजा। मैं तेरे साथ नहीं करना चाहता, संभोग नहीं करना चाहूँगा, मैं तो बस तेरी साधना करना चाहूँगा, ओनली साधना।
तेरे खातिर मैंने क्राइम छोड़ा, सारे गलत धंधे छोड़े, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी सिर्फ तेरे खातिर, तेरी साधना के लिए। इंस्पेक्टर, हिंदी पिक्चरा की तरह वीरों ने सारे क्राइम छोड़ दिए, तो पुलिस पकड़न क्यों आ जाओ यार? क्योंकि पुराने पाप छुत्तर चबाने आ ही जाते हैं, और जो अपनी वाइफ को मार के अपने खेतों में ही गाड़ दे, उसे हीरो नहीं विलेन कहते। आजा आजा इसे। तुम शादीशुदा हो? हाँ, उन्हीं तेरी खातिर। मेरी खातिर? तू शादीशुदा आदमी तो ब्याह कर लेती। दा लौंडिया की चक्कर में अपनी वाइफ को मार दिया। एक बदतमीज करे ना, कान में गोली गाल दूंगा, समझ मां की तरह। छुट्टी याद रखी तेरा यार, छह महीना भी तेरा यह ठुल्ले कुछ ना कर सकते। टेंशन मत लिए तू, न्यू गैर न्यू रहा। और वो वापस आ गया पूरे एक साल के बाद, सीधा मुझे दबोचने। मैं भाग के लमसी आ गई सरोज के पास। अरे पार्टनर आन दो उस को, बल्लब डाल देंगे उस चमने आलम के पिछवाड़े में। मेरी चाची कहती थी कि पिछला कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए जहां फंसे भाग निकलना। पर चाची को ये पता नहीं था कि भागने और निकलने में बहुत फर्क है। मेरे लाइफ में पास्ट के ब्लास्ट ने मुझे ये बात समझा दी थी, पर अब बारी सरोज की समझने की थी। हेलो। हाँ जी बोले। कैसे हो? बस जैसा पिछली बार आपने छोड़ा था वैसे ही। क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहा था तुम्हारा यार। मतलब आज भी फिर से अकेले ही हुआ? अकेला कहूँ यार, तुम हो ना साथ। यार हम सेक्स की बातें तो करते नहीं है। तुम्हें पता है तुमने पिछले एक महीने से ना ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर करके कितनी घंटों बातें करते हो तुम। हजारों रुपए खर्च कर दिए तुमने। एक महीना और पांच दिन to be specific। हाँ वही यार, मैं कह रही थी कि किसी से अफेयर वफेयर ही कर लो। कर तो लिया यार एक महीना और पांच दिन पहले। पागल हो क्या? तुम तो मेरा असली नाम भी नहीं जानते। पर इतना तो जानता हूँ यार कि तुम्हें गरम गुलाब जामुन ठंडी वनीला के साथ बहुत पसंद है। इतना मुझे अच्छे से पता है कि तुम स्टिलेटोस में बहुत अनकंफर्टेबल होती हो, बट यू लव देम। आई आल्सो नो किंकी। Above all, मेरी तरह तुम भी अकेली तो शादीशुदा होने के बावजूद नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ। Excuse me. फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ का मैनेजर? मैं ही हूँ। लगता नहीं आपको दिखते। सर, शक्ल से किसी के कहाँ कुछ पता चलता है, आप बोलिए ना। बोलिए नहीं, दिखाइए आइटम पापड़ का लाइसेंस। क्लाइंट था ना, कोई बॉयफ्रेंड तो था नहीं, फोन काटने की क्या जरूरत थी? क्या यार मम्मी जी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। सरोज, तुम्हारे इस चेहरे को मैं 3 साल से देख रही हूँ। उस चेहरे पे लाफिंग लाइन और लव लाइन, इसकी मुझे अच्छी तरह पहचान है। कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ी? तलवार वलवार तो नहीं निकाल लोगी? अब सास बहू के बीच में कौन सा पर्दा बाकी रहा है? बता,
बता दे। प्यार तो एक ही बार हुआ है मम्मी जी। उसके बाद तो आपके बेटे तक से नहीं हुआ। ये वही लड़का है जिसकी तस्वीर तो बार बार इंस्टाग्राम पे जाके देखती हैं। क्या ना ओवर फ्रेंडली नहीं? मेरे फोन में झाड़ी मारती है। पुलकित, पुलकित नाम है ना उस लड़के का। हद है यार मम्मी जी, अरे मेरे फोन में देखती हो यार। मेरे इंस्टाग्राम चेक किया है आपने? मम्मी जी दिस इज नॉट डन। सरोज, पुलकित चल। कौन है ऐसे? साला। अभी चल के वो तीन कैमरा वाला फोन उसकी तीसरी टांग में घुसेड़ दूंगी जिससे मेरी फोटो निकालना था। सॉरी अंजलिना, वो जो तीन कैमरे वाला फोन जिससे उसने फोटो निकाल के पोस्टर बनाया ना, वो मैंने ही मेरे ससुर को गिफ्ट किया था। दूसरे की गलती के लिए खुद माफी मांग रहा है। How cute is he यार? क्या करूँ इसका मैं? हाँ पुच्चू बेबी। कहाँ हूँ? पुच्चू बेबी तुम्हारे बाप के पास जा रही हूँ। कुछ प्यार भरी बातें करनी है। ये बकवास मत कर बहनचोद, रेट पड़ी है यहाँ पे। क्या? हाँ यार, गरीब पापा टाटके के चक्कर में हमारे कॉल सेंटर पे रेट पड़ गई है। उसे बोलो टेंशन ना ले, हम अभी आ रहे हैं। अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। तू एंजेलिना के साथ है? तूने हमारी नई गाड़ी में पहले उसको बिठा लिया। खुशबू हमारी गाड़ी थी। ये यार बेबी अभी यहाँ फटी पड़ी है और तुमको इसकी पड़ी है कि मेरे साथ कौन बैठा है पहली बार। हे फोन बैक कर ले। पुच्चू बेबी, पुच्चू बेबी को पुलिस ने धर लिया। यार यार मैंने बोला था उसको, बोला था मत बनिए पीएसओ, मत बन। अरे यार साला, दिल की जलन के चक्कर में घर चला दिया। मैं जा रहा हूं पुच्चू बेबी के पास। जनानियों के गुसल खाने में क्या कर रहा था? तू भी बैठ के मुत्ता है क्या? ओए चल सर, चल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल के बाद तुम्हें ऐसे कॉल सेंटर में देखूंगा मैं। क्यों, खुशी नहीं हुई तुम्हें देख के?
कि चार साल पहले तुमने जिसे डंप किया था वो यहाँ तुम्हें ऐसे डंप में मिली? हाँ, मैंने तुम्हें डंप नहीं किया था, वी ब्रोक अप। क्यों मॉडेस्टी का नाटक कर रहा है? ब्रेकअप के बाद ईगो मसाज तो मिल गया होगा, क्यों छुपा रहा है उसे? हाँ, इनफ सरू। सरोज अवस्थी, चाय या कॉफी? मैडम आपके कॉल सेंटर में रेड पड़ी है और आप यहाँ पर शान से चाय कॉफी के बारे में पूछ रही है? हाँ तो आप हमारे मेहमान हैं, आप अपना काम करने आए, थोड़ी देर बाद आप चले जाएंगे, चाय या कॉफी? बहू तुम तो लो। क्या फैमिली बिजनेस चल रहा है क्या पे? हाँ, लीगली है, इलीगली नहीं। आप चाय पियेंगे? सर, ये आइटम नंबर पापड़ कंपनी किसी हरनाक्षी शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। हरनाक्षी शर्मा? इस तरह ट्रॉली बैग की तरह घसीटने का क्या मतलब है? तुम लोग जाओ हरनाक्षी शर्मा को लेके आओ और तुम जरा बाहर वेट करो। तुम्हारा हस्बैंड भी इस एंटरप्राइज में इन्वॉल्वड है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। यू हैव टू, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हां, कोई क्राइम नहीं किया मैंने। नहीं किया तो बताते क्यों नहीं हो? तुम बता के गए थे मुझे? क्यों मुझे डंप कर रहे हो? किसके लिए डंप कर रहे हो? लड़ी पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग का बहाना देके यू डिसअपीयर्ड। यहां कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, तुम्हें सिर्फ ये जानना है ओ बेचारी सरू इस स्लीपी में कैसे फंस गई है ना? आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि यू कैन बी एनीथिंग बट आप बेचारी। देन डू नो अनदर थिंग फॉर अ फैक्ट कि तुम मिस्टीरियसली हमारे रिलेशनशिप की मार जा चुके हो। कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तू इसी लायक सर, ये है हरिनाक्षी शर्मा। ये चलाती है कॉल सेंटर? वो क्या चीज है बेटा? पुच्चू बेबी तुम ठीक हो ना? बेबी पता है क्या मजा है यहाँ पे? क्या डेरिंग है लोगों में यार। नहीं जी, तुम सब लोग ठीक हो? पुलिस कहाँ है? अरे तुमने जो थ्योरी पढ़ाई थी ना, वो सुना के पुलिस को भगा दिया हम लोगों ने। माय बैड एज लॉसेस। बहुत बढ़िया। अरे फोन बज रहा है, चलो काम पे लगो। जब जब मर्दों का कुछ खड़ा करना होता है ना, औरतों का कुछ ना कुछ बैठ ही जाता है। कभी कलाम तो कभी हौसला, क्योंकि मर्द तो साले खुद ही। अनुशिल्ला कहूं, मुनमुन कहूं या फिर स्वीटी कहूं, सारे रास्ते तेरी तरफ आने लग रहे हैं। ले मैं भी आ गया। स्वीटी ये भागे मत। स्वीटी क्यों करा रही है मेरे पापा? कहीं थी मत बाजी।
आई बेटा छोड़ मुझे प्लीज छोड़ छुट्टी छुट्टी जब भी छुट्टी के साथ हूं थम आ जाओ यार चमन आलम परबतपुर के गुंडे विधायक जेल के बाहर भी चैन नहीं पड़ता ना तुझे What the f*** are you doing here? What the f*** are you doing here? ये क्या था? A mistake. And a serious fucking mistake. No! No! Listen, Saru, just my best friend and your girlfriend. तो क्या करूं मैं उसको जाके बोल दूंगा कि वो मेरे बचपन की भूल थी और तुम मेरी समझदारी का सच है. Saroj is my best friend. And what are you doing here with me in the bathtub? Listen, at least talk to me. मैंने बहुत बड़ी गलती की है पुलकित. गलती नहीं, गुनाह, जिसकी सजा सरोज भुगत रही. पर अनु वो happily married है. वो अभी तक तुझे Instagram पे stalk करती है. जी, what's with the language of you girls? ये call center में तुम्हें ऐसा सिखाया जाता है क्या? यहाँ पे life की लगी पड़ी तुझे language की पड़ी. फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के छापे में गलती से पकड़ा गया एक फोन कॉल सेंटर हेलो जी जिसके तार परबतपुर के पूर्व विधायक चमन आलम के साथ भी जुड़े हैं. तो कैसा लग रहा है इस फोन कॉल सेंटर का पर्दाफाश? तूने मीडिया को बुलाया था? अरे वो मीडिया है, वो उन्हें इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है. लेकिन तुझे जरूरत है ना पर तेरे एम्बिशंस को. मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है आज भी. सूत्रों से पता चला है कि कॉल सेंटर की कर्ता धर्ता एंजेलिना नाम की एक महिला है जो प्राची ज्वेलर्स की मॉडल भी है. हमारी बेटी प्राची जो है वो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी और जहाँ तक बात रही ये एंजेलिना की, ये लड़की खुद आई थी हमारे पास में भीख मांगती हुई कि हमें प्राची ज्वेलर्स के लिए मॉडलिंग करवानी है, मॉडलिंग बना दो. इसके चेहरे पे लिखा नहीं होता है ना कि भाई चरित्र कैसा है. शहर में कॉल सेंटर की मौजूदगी से लोगों में काफी रोष है जो उन्होंने कॉल सेंटर में तोड़ फोड़ मचा के व्यक्त किया है. देखिए ऐसी चीजें देश की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हैं और गंदगी की सफाई तो करनी पड़ती है. हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि लोगों ने तोड़फोड़ की. आपको है क्या? क्या कर रहे हो अनु? क्या कर रहे हो? कब तक भागती रहोगी ऐसे? इस बार मैं कहीं नहीं भाग रही पुलकित. एंड यू स्टे अवे फ्रॉम मी एंड स्टे अवे फ्रॉम सरोज. पर कब तक अकेले लड़ती रहोगी? मैं अकेली नहीं हूं. है लोग मेरी जिंदगी में जो मेरी परवाह करते हैं. छोटी छोटी चीज में मेहनत की,
चुन चुन कर लाया था सारी चीजें और बड़े दिल से लगाई थी। सब खत्म। हेलो जी, खत्म। प्राची से तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। प्राची से शादी तो हो ही नहीं सकती, गई हो दिल्ली, ले गया उसका बाप उसको, और क्या करेगा वो, एक शर्मिंदा बाप कर भी क्या सकता, वो लेकर ही जाएगा ना उसे यार। और पता है इन सब में गलती मेरी है, मेरी गलती, जानती हो क्यों? क्योंकि ना मैंने लमसम को कट दिया, ना पापड़ फैक्ट्री का लाइसेंस ली। कौन से कट की बात कर रहे हो? अरे वो घर आया था यार, और उसने जो बोला था वो कर दिया, सब खत्म कर दूंगा, कर दिया। हेलो जी के साथ मेरी जिंदगी भी खत्म करती। क्या इंडिया पुच्छू को ले आओ यार। भूषण भूषण सुनो, मेरी बात सुनो, प्राची नहीं है तो क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या बोली तुम? मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। तुम मुझे पोस्ट कर रही हो? I love you, I love you। तुम्हें ना कुछ कुछ दिखाना है। याने, एक पैसे का भी अफसोस नहीं है बदनाम होने का। अरे अफसोस किस चीज का काकी? मुझे तो फक्र है एलोजिया होने पे। और काकी, मैं तो अब ऐसी औरत बन गई हूं ना जो ना सिर्फ घर बनाती है, घर चलाती भी है। एलोजिया एक ऐसा आईना है जिसने सांवली सोनल को बताया कि वो सेक्सी सोनल है, उसे कुछ और बनने की कोई जरूरत नहीं है। यानी एंजी एंजी ना हुई, पारस का पत्थर हो गई, जिसे छुआ वो सोना बन गया। एंजी का कहीं पता नहीं चल रहा है, एंजी नहीं मिल रही। अरे सामान तो घर पे है। सामान घर पे नहीं है ना, कहीं वो कमीना चमन उन्हें फिर से उठाकर लेकर तो नहीं गया? दोबारा चमन के हाथ लगने वालों में से नहीं है एंजी। अरे तो फिर गई कहाँ? एंजी ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, लगता है फिर से भाग गई। फिर से भाग गई क्यों? क्योंकि मर्द होते ही और उसका पाला हमेशा चूतिया मर्दों से ही पड़ा है। तुम इतना कैसे जानते हो उसके बारे में? क्योंकि उन मर्दों की लिस्ट में मैं भी हूं। शायद मैं भी, शायद नहीं, डेफिनेटली तू है। पुलिस वाले हो, वार्निंग देकर छोड़ने वाली मिस्टेक पर गिरफ्तार कर सकते हो, जो चाहे बोल सकते हो, क्या कर सकते हो? जो चाहे नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।
मुझसे मिलने के बाद वो तेरे पास ही आई थी ना सीधा, उसके बाद से उसने किसी से भी नहीं मिली। अबे ऐसा क्या बोल दिया तूने उसको? पता है तुम्हारे मुंह में ये जुबान है ना, ये पैसे कमा सकती है, मर्दों को रिझा सकती है, उन्हें भरमा भी सकती है, मगर तुम जैसियों को ना वो नहीं लिया। हद दर्जे का दोगला है बे तू। पहले अपनी बूढ़ी नानी को फंसाया तूने, उसके बाद फोन कॉल सेंटर चलाया और चीफ एंजेलिना को बोल रहा है। गलती हो गई यार, मैं एक काम करता हूं, मैं एंजेलिना को फोन करता हूं, वो मेरा फोन उठाएगी। फोन दो। नहीं उठाएगी और ना ही वापस आएगी वो। अरे ऐसे कैसे नहीं उठाएगी, ये जो हेलोजी नाम का तोता है ना, उसमें एंजेलिना जादूगर की जान बसती है। फैमिली वाला मैटर हो गया है हेलोजी आज के साथ में, वो आएगी जरूर आएगी। बैठ बैठ। I hate geometry and even geometry hates me. तभी तो दो लवर्स के बीच चल रही स्ट्रेट लाइन सी लव स्टोरी में पता नहीं कैसे मैं घुसाती हूँ और एक लव ट्रायंगल बन जाता है। चमन और उसकी बीवी के लाइफ में भले अनुइंगली ही मेरी एंट्री हुई, उस तब भी बीवी की जान ले ली। फिर सरोज और पुलकित के बीच में और मैं आई और उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, और अब भूषण और प्राची के बीच में वही सर्कल रिपीट हुआ। सर्कल ज्योमेट्री मैन, जो भी हो इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी। स्वीटी, मेरा मामा कहे तू तितली है और उड़ती तितली पकड़ी नहीं जाती, उसका इंतजार करना पड़ा कि वो आकर फूल पर बैठ जा। जाल बिछ गया स्वीटी, इससे पहले भोरे फूल का रस पी जाए। आ जा। और एड्रेस तेरा जीजा दे देगा। कैसी हैं साली साहिबा? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है एंजेलिना। एंजेलिना साला नाम भी आइटम वाला है।